अस्सलाम uh, वालेकुम दोस्तों uh, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अच्छा जी सलील आप uh, कुछ सवाल आप पूछना चाह रहे थे जी तो मेरे कुछ सवाल आ रहे uh, मैं ना आपका uh, ये लेक्चर वापस देख रहा था हुँ. तो आप uh, हम ये बात कर रहे थे कि एक्सप्रेस जेएस मिडलवेयर है इट्स इट इज अ सर्वर मतलब हम सर्वर लिख रहे हैं लेकिन हम बाद में जो क्रड ऑपरेशन लिख रहे थे दे आर एसेंशली एपीआई राइट लाइक क्रड ऑपरेशन एपीआई तो मैं ये समझना चाह रहा था कि इज द लॉजिक वी रूड इज इट सर्वर लॉजिक और इज इट एपीआई लॉजिक अच्छा मैं इसको ना डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ Yeah, up imagine Okay. This is a machine in cloud. Machine in cloud or machine in in your home or say. Okay. Okay. So in this machine, you are running a software. Okay. This is a software. okay and this software for example it's called nginx okay and this is a server okay whenever a request comes in to this machine okay through the internet uh, internet port

अच्छा तो ये आपकी जो रिक्वेस्ट आती है ना वो यहां पे आती है अच्छा एंड देन दिस दिस इज सर्वर ओके दिस इज एक्चुअल सर्वर एंड हेयर इज आवर एक्सप्रेस एप्लीकेशन विच इज दिडल एक्सप्रेस एप एक्सप्रेस एप टू बी मोर एक्ट एंड एक्सप्रेस एप इज मेड अप ऑफ लॉर्ड्स ऑफ मिडिल ठीक है इट इट हैंड्स ओवर जब रिक्वेस्ट अंदर आती है मशीन के अंदर तो मशीन के अंदर एंजेनिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो सर्वर है वो बैठा हुआ है उस रिक्वेस्ट को पकड़ने के लिए वो उस रिक्वेस्ट को पकड़ता है और उस रिक्वेस्ट को पकड़ के उसको हवाले करता है एक्सप्रेस की ऐप के अच्छा हमारे पास एंजेनिक्स की जगह कुछ दूसरे भी सॉफ्टवेयर हैं जो एज अ सर्वर इस्तेमाल होते हैं एक्सप्रेस की जगह पे कुछ दूसरे भी कुछ दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं ठीक है जैसे कि जैसे कि पीएचपी का भी सर्वर हो सकता है जैसे कि डॉट नेट का भी सर्वर हो सकता है तो वो एक्सप्रेस की ऐप की जगह पे बैठा होगा तो एनजेनिक्स के पास आई रिक्वेस्ट एनजेनिक्स उसको पास करेगा एक्सप्रेस को एक्सप्रेस की जो है वो ऐप है एक्सप्रेस so, को सर्वर कहना शायद मुनासिब नहीं रहेगा एक्सप्रेस एक्सप्रेस की की ऐप ऐप है अच्छा फिर के अंदर बहुत सारे मिडल वेयर है ये उसको देता है सारे मिडलवेयर से गुजरती है रिक्वेस्ट अगर कोई एक मिडल वेयर हिट हो जाता है तो वहां से रिस्पॉन्स वापस जाता है एंजेनिक्स को और एंजेिक्स उसको वापस भेजता है पोर्ट्स के जरिए अच्छा अगर कोई मिडल वेयर हिट नहीं होता एक्सप्रेस की ऐप में यानी क्योंकि हम देख चुके हैं तो इसमें हिट नहीं होती है, पास हो जाती है तो वो वापस एंजेनिक्स के पास आ जाती है तो एंजेनिक्स कहता है 404. अच्छा, हमारे में हम एंजेनिक्स कवर नहीं कर रहे हैं ठीक है हम एंजेनिक्स कवर नहीं कर रहे हैं तो हमारे केस में फिर सर्वर क्या होगा हमारे केस में सर्वर ये होगा कि जब एक्सप्रेस की ऐप बनाते हैं ना एक का अपना भी छोटा सा सर्वर है जिसको Nord, Nord के अंदर मौजूद होता है, है? उसको हम HTTP सर्वर कहते हैं, ठीक है? तो हमारे इस केस के अंदर, जब हम Express की नहीं हमने एंजेक्स नहीं पढ़ा नाम कवर कर रहे हैं तो ये जो चीज बनती है यहाँ पे उसको हम कहते है, HTTP, सर्वर. ठीक है तो एनजेनिक्स की जगह पर नॉर्थ जीएस एच टी टीपी सर्वर होता है बट नॉर्थ जीएस वाले खुद ये रेकमेंड करते हैं ठीक है कि हमारा जो ये एच टी टीपी सर्वर है इसको आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल ना करें ठीक है वो कहते हैं कि प्रोडक्शन में अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप एनजेनिक्स या कोई दूसरा सर्वर जो भी आपको पसंद है आप वो इस्तेमाल करें ठीक है उसका रीजन जस्ट ये है कि नॉर्थ जीएस का जो एच टी टी पी सर्वर है इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मौजूद नहीं है जैसा कि लोड बैलेंसिंग ठीक है मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास दो मतलब दो एक्सप्रेस की एप्स हैं या तीन एप्स हैं ठीक है ठेके? और ये एंजेिक्स है तो वो दोनों में लोड बैलेंसिंग कर सकता है उसके अंदर ये फीचर मौजूद है मतलब सर्वर के जो अपने फीचर्स है ना वो एक पूरा एक अपना उसका सिस्टम है आ, काफी सारे उसके अपने जो है ना फीचर्स हैं जो मतलब उस लेवल पे हो रहे होते हैं हमारे लेवल पे नहीं हो रहे होते अच्छा तो वो बहुत सारे फीचर नॉर्ट जेएस एस के जो एच टी टी पी बुलटन सर्वर है उसमें नहीं है अच्छा तो ये बात क्लियर हो गई लेकिन एपीआई फिर क्या है हाँ, तो API हाँ क्या चीज़ है? है? वो आप समझे एपीआई क्या चीज है एक होता है यूजर इंटरफेस यूजर हाँ? इंटरफेस जो है ना, वो ऐसी जो कोई चीज़ होती है यानी किसी मशीन का यूजर इंटरफेस जहाँ पे थे? यूजर आकर उस मशीन से इंटरेक्शन करेगा कुछ मशीन थे? को बोलेगा कुछ मशीन से पूछेगा ठीक है तो, आ... तो जी जी मैंने आपको अभी दिया दिया। तो ये थैंक यू एपीआई है या जो मेन एप्लीकेशन समझा रहा हूँ यूजर इंटरफेस तो मैंने गुफ्त हुए कॉन्टेक्ट बिल्ड कर रहा हूँ मैं अभी मैंने एपीआई की बात नहीं की है देखें एक होता यूजर इंटरफेस के मशीन के पास बंदा है वो उससे अपनी बात कहे वो या कुछ मशीन उसको बात कहे ठीक है जैसे वॉशिंग मशीन है वॉशिंग मशीन के अंदर जो यूजर इंटरफेस होता है उसमें एक घुमाने वाला बटन होता है सही है फिर उसके अंदर एक बत्ती होती है वो बत्ती जल रही होती है तो उससे पता चलता है कि अच्छा मशीन इस वक्त मतलब ऑन है या ऑफ है या कौन से मॉड में है ठीक है इसी तरह मशीन कुछ ना कुछ आवाज भी निकालती है अलार्म करती है ठीक है तो ये उसका इंटरफेस है कि कोई भी बंदा आके उस इंटरफेस के जरिए उस मशीन से या तो उस मशीन को कोई इनपुट देता है बटन के जरिए घुमा के पंद्रह मिनट के लिए ऑन हो जाओ या मशीन कुछ आउटपुट लेता है मशीन से जैसे कि अलार्म या कोई बत्ती देखता है कि, तो ये इंटरफेस है कम्युनिकेशन और ये मशीन और ह्यूमन के दरमियान ठीक है थीके? तो इसको कहते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस अच्छा फिर इसी इंटरफेस की जो सॉफ्ट uh, वर्जन है जो ठीक है सॉफ्ट वर्जन इसको कहेंगे हम वो है आपके कंप्यूटर की स्क्रीन आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उसके अंदर एक बटन होता है क्रॉस का बटन जिसको दबाने से वो क्या हो जाता है बंद हो जाता है अभी देखे मेरे पास एक क्या है कि भाई बंदा द रूम अब मेरे पास दो बटन है व्यू और एडमिट तो मैंने एडमिट का बटन दबाया तो ये ज्वाइन हो जाएंगे ठीक है तो ये जो बटन है ना ये क्या है ये उस रियल इंटरफेस को मिमिक कर रहा है ठीक है तो है। इसको हम क्या कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये सही, सही है? है ये ये रियल इंटरफेस नहीं है लाइक अ कीबोर्ड कीबोर्ड फिजिकल बोर्ड बट दिस इंटरफेस हैव ग्राफिकल इंटरफेस ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये भी कंप्यूटर ह्यूमन इंटरफेस है ये भी लेकिन ये ग्राफिक फॉर्म है इसकी तो इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं अच्छा इसी तरह जब यानी एक सॉफ्टवेयर के लिए बन गया कोई भी ह्यूमन आएगा सॉफ्टवेयर वो से कम्युनिकेट करेगा अच्छा जब हम यही इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर का यही इंटरफेस ह्यूमन के लिए नहीं बल्कि एक दूसरा सॉफ्टवेयर के लिए बनाते हैं ठीक है ह्यूमन के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए बनाते हैं तो उस केस में फिर हम इसको क्या कहते हैं हम इसको यूजर इंटरफेस नहीं कहते हम इसको कहते हैं एप्लीकेशन इंटरफेस हम इसको क्या कहते हैं एप्लीकेशन इंटरफेस अच्छा तो एप्लीकेशन इंटरफेस जो है उसको हम क्या कहते हैं एपीआई सही ठीक है एक है जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कि किसी भी सॉफ्टवेयर का यूजर के लिए बनाया गया इंटरफेस कोई बटन शटन जो क्लिक करे किसी को जाके ठीक है अच्छा फिर जाहिर है जब एक मशीन के लिए जब बिल्कुल ही नाम ही अलग है तो बिल्कुल वो एक तरह का इंटरफेस होगा। तो आप अगर इस डायग्राम पे गौर करें तो ये असल में इतना जो पार्ट है ये वाला इतना पार्ट दिस इज मशीन राइट दिस इज अ मशीन कम्युनिकेटिंग टू दिस मशीन ठीक है और वो समवन कौन है समवन इज अ is another machine that is communicating to this machine. So this interface, आप समझ रहे हैं कि बाहर से किसी ने कहा कि मुझे user की सारी list दो और ये दे 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 रहा है उसको. तो this communication जो है ना जो उस उस उसके लिए जो तरीके कार इसमें बनाए गए हैं that is called API. Okay. So so again, let me just uh, repeat what you said and see if uh, tell me if I understood it.

ओके दिस इज मशीन, दिस होल थिंग इज अ मशीन ओके दिस थिंग इज अ सर्वर ओके, दिस थिंग इज एक्सप्रेस एप ओके ओके, और एक्सप्रेस एप के अंदर है मिडलवेयर, राइट अच्छा। right? तो ये एट द सेम टाइम दिस एक्सप्रेस एप इज अ वे टू मेक ए इंटरफेस तो ये एक्सप्रेस की एप ही असल में एपीआई एट द सेम टाइम

लोकल नेटवर्क पे भी कोई एपीआई हो सकता है और आ, जैसे आपने आ, आपने कार्स में ये देखा होगा कि कार्स में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके अंदर एक डैशबोर्ड में एक कनेक्शन की जगह होती है उससे वो एक कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर जो है वो बात करता है कार से तो दैट इज ऑल्सो एन एपीआई अच्छा ह्यूमन इंटरफेस कार का क्या है कि एक स्क्रीन लगी हुई है, है, है उस पे टच स्क्रीन है मेन्यू आता है गाने-वाने बजते हैं उसमें सब एसी-वैसी कंट्रोल हो जाता है दैट इज अ ह्यूमन इंटरफेस बट दैट पोर्ट जो जो वर्कशॉप uh, वाला उसके अंदर पुट करता है और देन कार उससे बात कर तो कार उसको अपना दर्द बता देगी भाई मेरे फला जगह पे ये प्रॉब्लम है ठीक है वो आपको आपको नहीं बताती वो एक मशीन तो दैट इज आल्सो एन एपीआई application interface not for user for other for other software for other computer for other uh, uh, system for other machine that is api everything so essentially an api is an app that it, or rather, like because i'm talking in the context of express i'm saying app uh, it, is an app that will uh, speak with my other machines uh, and facilitate that con communication as versus प्लेन सर्वर और क्लाइंट इज जस्ट दिन काफी करीब करीब पहुंच गया लेकिन एक चीज अभी भी आपने मिस की है जी? एक चीज अभी भी आपने मिस की है चलें मेरा मैं आपसे सवाल पूछता हूं आप मुझे आंसर करें एक लैपटॉप के अंदर जो इंटरफेस है ठीक है ह्यूमन इंटरफेस जो है वो क्या है

इन द सेम वे एक और एग्जाम्पल जैसे की बोर्ड की इंटरफेस की हम इट्स इट्स परफेक्टली फाइन कि मतलब जितना आपने गेट कर लिया ठीक है इतना गैट करना भी आई थिंक बहुत ज्यादा है इस लेवल पे ठीक है बट जब आप इसको अभी अभी तो हमने शुरू किया अभी हम लिक्स को लिखना शुरू करेंगे ना, जब APIs proper. तो आपको ना, सवाल हो जाएंगे ले ना. तो इस वजह से वो जो चीजें हमने नहीं पढ़ी है उसकी भी बातें डिस्कस हो गई है तो ये कंफ्यूजन का सबब बनी है मोस्ट प्रॉब्लम हाँ नहीं मतलब आ, आ, क्या है की जब मैं ये लेक्चर रीवॉच कर रहा था तब मेरे जहन में ये चीज आई कि हम सर्वर तो लिख रहे हैं लेकिन हम बातें ऑपरेशंस की कर रहे थे जो एपीआई की ऑपरेशंस सो so, मैं ये लाइक यू नो व्हाट आज की हम चीज शुरू करते हैं uh, के हमने जो uh, बात डिस्कस की थी वो आप सब लोगों से बन गया होगा प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन द सॉकेट एन टीसीपी अब यार ये सॉकेट टीसीपी में आधे घंटे बोल सकता हूँ लेकिन अभी मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि हमें क्लास का कंटेंट भी पूरा करना है ठीक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस एच टी टी पी एस इज सिक्योर एच टी टी पी इज नॉट सिक्योर ठीक है अब इसको आप अलग से गूगल कर सकते हैं कि ये सिक्योरिटी का क्या चक्कर है एक सर्टिफिकेट होता है एस एस एल बस ये मोटी मोटी बातें समझ लें एम क्यू टी टी का कोई रेलिवेंसी है ए पी आई एम क्यू टी टी इज अ प्रोटोकॉल सही एम क्यू टी टी इज अ प्रोटोकॉल जो जो एपीआई लिखी जाती है उसका प्रोटोकॉल है जैसे http एपीआई लिखते हैं इसी तरह mqtt एपीआई भी लिखी जा सकती है सॉकेट एपीआई भी लिखी जा सकती है ठीक है व्हाट इज द व्हाट इज कोर्स अच्छा जी कोर्स आज हम कवर करेंगे ना पिछली बारी हमने नहीं कवर किया था अच्छा सलील ने जनाब जो है ये बना लिया है पोस्ट लिए मुझे अदनान हमजा फारूक भाई ने मदद की थी ओके okay, इसको मैंने रिफ्रेश किया गेट ऑल पोस्ट कहा और मैंने कहा वन टू थ्री फोर फाइव दिस इज अ पोस्ट और इसको मैंने पोस्ट किया देन मैंने गेट ऑल पोस्ट किया तो ये आ गया मेरे पास गुड यार वेल well डन क्या बात है इसका हम जो है वो नेटवर्क रिक्वेस्ट भी ओवरव्यू कर लेते हैं कि नेटवर्क रिक्वेस्ट में क्या रिपोर्ट है उसकी ठीक है जी ये आपने एपीआई कॉल कर दी पोस्ट की एपीआई थी और इसमें आपने डेटा भी भेज दिया ठीक है जी और ये रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पर परफेक्ट और जब मैं गेट ऑल पोस्ट करता हूँ तो ये गेट ऑल पोस्ट भी हो गई हमारी गेट की रिक्वेस्ट थी स्लैश पोस्ट और ये डेटा रिस्पॉन्स में आ गया गुड यार अच्छा जी तो आज की क्लास में हमें करना ये है असल में के आ, मैं किसी दूसरे फोल्डर में मौजूद हूं इस वक्त तो मैं हमारी क्लास का कोड ओपन कर लेता हूं। ये हमारी क्लास का कोड जनाब ओपन हो चुका है नॉट अ प्रॉब्लम हम पुट और डिलीट को कंप्लीट करके एक दफा और देन हमें करना क्या है कि हमें इसको डेटा से कनेक्ट करना है ठीक है हमें इसको क्या करना है डेटाबेस से कनेक्ट करना है और डेटाबेस से कनेक्ट डेटा करने के बाद यही सेम चीज हम क्या करेंगे मतलब फ्रंट एंड तो आपका सेम रहेगा फ्रंट एंड तो चेंज नहीं होगा बट यहाँ पर जो पोस्ट है वो डेटा में जाकर सेव होने लग जाएगी और अगर आपकी एप क्रैश हो जाती है या रिस्टार्ट होता है आपका सर्वर किसी भी दूसरी वजह से तो आपका डेटा रहेगा वो कहीं नहीं जाएगा आपका डेटा ठीक है अच्छा तो हम पहले इस कोड को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हमने अभी तक क्या लिखा हुआ है और फिर हम क्या करते हैं ये पुट और डिलीट जो कल लास्ट क्लास में रह गया था हम कंप्लीट करते हैं अच्छा सबसे पहले एक्सप्रेस एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट किया हमारा एक 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 फ्रेमवर्क है है लाइब्रेरी लिखी गई है आपके लिए जिसके जरिए सर्वर बनाना आसान हो जाता है स्टिल हम एक्सप्रेस के बगैर भी सर्वर बना सकते हैं नॉर्थ जीएस के अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि वो सर्वर बना ले। लेकिन एक्सप्रेस हम इसलिए यूज करते हैं ताकि काम हमारा थोड़ा आसान हो जाए उसके बाद हम कॉर्स को इम्पोर्ट करते हैं अच्छा कॉर्स क्या होता है एक गूगल क्रोम का सिक्योरिटी फीचर है गूगल क्रोम नहीं बल्कि जितने भी मेजर ब्राउजर्स हैं सबका एक सिक्योरिटी फीचर है और वो फीचर क्या करता है कि वो सर्वर से पूछता है ठीक है जब जब सर्वर पे कोई कॉल की जाती है गूगल क्रोम से तो वो सर्वर से पूछता है ठीक है कि क्या ये रिक्वेस्ट मैं कर दूं क्या इस सर्वर को मैं इस्तेमाल कर लूं अगर सर्वर उसको कहता है कि ठीक है जी आप इस्तेमाल कर लें ठीक है तो वो उसको इस्तेमाल कर देता है अदरवाइज गूगल क्रोम आपको रोक देता है उस सर्वर को इस्तेमाल करने से ठीक है अब ये जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया दिस इज अरिटी फीचर ठीक है तो बहुत सारे लोगों को शायद ये समझ में ना आए कि ये सिक्योरिटी फीचर कैसे है कि मतलब गूगल क्रोम उससे पूछ रहा है सर्वर से कि मैं आपको इस्तेमाल कर लूं या नहीं कर लूं तो ये एक सिक्योरिटी फीचर इस तरह से है कि सम टाइम क्या होता है आप आपका जो सर्वर होता है वो किसी दूसरे डोमेन से यूज हो रहा होता है ठीक है तो उस चीज को ये प्रिवेंट करने के लिए होता है अच्छा आ, मिसाल के तौर पे, आपने एक वेबसाइट बनाई फेसबुक डॉट कॉम राइट अब वो फेसबुक डॉट कॉम नाम की एक वेबसाइट आपने बना दी उसमें आपने ये फीचर रखा कि कोई भी यहां लिखे कुछ और पोस्ट का बटन दबाए तो क्या हो जाए आपके सर्वर पे जाके वो चीज वो सेव हो जाए अच्छा अब क्या होता है

अच्छा तो अब इन्होंने क्या किया गूगल क्रोम ने कि गूगल क्रोम ने कहा भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे रहते हुए ना आप ये चीटिंग नहीं कर सकते ठीक है तो फिर अब गूगल क्रोम ने ये लगाया कि भाई मैं ना सर्वर से पूछूंगा पहले कि ये जो डोमेन है जिस पे आप इस वक्त खड़े हुए हैं इस डोमेन पे खड़े रहकर क्या ये सर्वर इस्तेमाल करना अलाउ है तो ये गूगल क्रोम का सिक्योरिटी फीचर है स्टिल वो बंदा किसी किसी अग, ऐसे जो जो चीप ब्राउजर है कोई उस पर जाके वो ये काम स्टिल कर सकता है ठीक है ना लेकिन वो मेजर ब्राउजर्स पे नहीं कर सकता ये अच्छा इसी तरीके से वो पोस्टमैन अगर उसने बनाया मतलब पोस्टमैन से अगर हिट करेगा एपीआई तो वो भी स्टिल वो ये काम जब भी कर सकता है लेकिन वो गूगल क्रोम जैसे या सफारी या मोजैला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज इस तरह के मेजर ब्राउजर पर यह काम वो नहीं कर सकता ठीक है जी अच्छा और इनका एक रीजन ये भी है कि जो आम फहम बंदा होता है एक आम आदमी जो होता है वो तो या तो सफारी का यूजर है उसको आप कुछ भी खोलने बोलेंगे वो सफारी पे खोलेगा या गूगल क्रोम का यूजर है तो उसको कुछ भी बोलने बोलेंगे तो वो गूगल क्रोम पे खोलेगा तो गूगल क्रोम पे ना ये चीज रोकने से काफी एक बड़ी ऑडियंस है वो सेफ हो जाती है तो इस वजह से ये फीचर रखा गया है अच्छा तो कॉर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं जरा मैं एक नजर दिखा दू आपको अच्छा मैंने कहा एन पी कॉर्स अच्छा ये कॉर्स के नाम की लाइब्रेरी है जो आपको क्रॉस ऑरिजन सेटअप करने में

हमें मना नहीं है हम उसको वेलकम करते हैं ठीक है लेकिन प्रोडक्शन में आपको ये चीज नहीं करनी होती प्रोडक्शन में क्या करना होता है इसको आपको एक एरे पास करना होता है यहाँ नीचे कहीं ना कहीं उन्होंने बताया होगा एग्जाम्पल ये देखें जी इस तरह करके आपको बताना होता है ठीक है जी एक मिनट जीरो इस तरह करके आप इसको बना रहे होते हैं ठीक है आप कहते हैं व्हाइट लिस्ट कि ये दो ऐसे डोमेन है जिन डोमेन से क्या हो सकती है हमारी एपीआई कॉल हो सकती है ठीक है ऐसे करके आप उसको लगा देते हैं ठीक है जनाब अच्छा इन्होंने ये यहां पे हर हर मिडलवेयर के साथ अलग अलग लगाया है आप इसको एप डॉट यूज करके सबको एक जगह पे भी लगा सकते हैं बल्कि उसको मैं लगा के और उसको कॉमेंट भी कर देता हूँ कोड में ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरह करके लग रहा होता है ठीक है ये मैंने व्हाइट लिस्ट यहाँ पे बना दिया पूरा और वाइट लिस्ट बनाने के बाद मैंने कोर्स ऑप्शन को ना यहाँ पे पास कर दिया ठीक है जी ठीक है ये कोर्स कोड यहां तक है हमारा ठीक है जनाब बिल्कुल सही है ओके अच्छा इतने कोड को मैं क्या कर देता हूँ कमेंट कर देता हूं ताकि आपको ये बाद में कभी भी इस्तेमाल करना तो आप इसको इस्तेमाल कर सकें अभी फिलहाल में ये लगा देता हूं अलाउ ऑल ओरिजिन नॉट रेकोमेंडेड इन प्रोडक्शन ठीक है तो ये कोर्स का वो कोड है जो आपको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना है और टेस्टिंग के लिए जैसे मैंने लिखा है इस तरह भी लगा दें तो आप कोई मसला नहीं है ऐप डॉट यूज सबसे टॉप पे आप लगा देना तो हर रिक्वेस्ट उससे होकर गुजरती है तो वो हर रिक्वेस्ट पे अप्लाई हो जाता है जो भी कुछ आप यहाँ लगाएंगे और जैसे इन्होंने यहाँ बताया हुआ है ना इस तरह करके ये अगर आप इस जगह पे लगाएंगे तो वो सिर्फ इस रिक्वेस्ट के लिए होता है बाकियों के लिए नहीं होता वो अच्छा कुछ और लोगों ने भी लिंक्स भेजे हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हम लिंक नहीं देख पाएंगे सब लोगों का आज तो अब प्लीज यहाँ पे मैंने वीडियो पे तो इसको वो कर दिया अच्छा जल्दी जल्दी वैसे एक एक दफा क्लिक कर लेते हैं अच्छा ये एक बंदे ने भेजा है उज़ैर उज़ैर ने ये बनाया है और ठीक है तो बस ये रिकॉर्डेड वीडियो में चला गया अब अगर किसी को भी देखना होगा तो वो वीडियो को पॉज करके और यूआरएल को देख के टाइप कर सकता है अच्छा जी एक दोस्त ने हैंड रेस किया हुआ है जी सलाम सर सर uh, मेरा एक क्वेश्चन था सर uh, ये जो एक्सप्रेस डॉट जेसन है ये हाँ। uh, जो भी डेटा आ रहा होता है उसको जेसन में पार्स करता है जेसन में पार्स कर देता है जो बॉडी के अंदर डेटा होता है ना अगर वो जेसन होगा ठीक है तो उसको वो uh, पार्स कर देगा जेसन में सर uh, जब हम लोग पिछली क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे तो पोस्टमैन से तो हम जेसन में भेज देते हैं लेकिन न, जब हम uh, अपनी ऐप से भेज रहे थे तो ऑब्जेक्ट uh, पास करा रहे थे ऑब्जेक्ट तो, जैसा नहीं होता है ऑब्जेक्ट जैसा नहीं होता है जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ना वो जैसा नहीं होता है क्योंकि जेसन स्टैंड फॉर व्हाट जावास्क्रिप्ट ठीक है जेएस ऑब्जेक्ट जावा नोटेशन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इज कॉल्ड जेसन अच्छा जी तो ये आंसर आपका हो गया आई थिंक सर लास्ट में नोटेशन का क्या मतलब है? नोटेशन नोटेशन का मतलब होता है लिखने का अंदाज किसी भी चीज को लिखने का अंदाज ओके okay, सर सर लेकिन उसमें तो हम की दो की और वैल्यू दोनों हम स्ट्रिंग में पास कर रहे थे लेकिन ऑब्जेक्ट में तो हम खाली की को स्ट्रिंग में की की कोई सी भी डेटा टाइप हो सकती है वैल्यू की कोई सी भी डेटा टाइप हो सकती है तो इसमें एक ही है देखें असल में इन्होंने जो बात की अगर वो किसी को समझ में ना आया हो तो मैं समझा देता हूँ जैसे ये मेरे पास जो लिखा हुआ है ना दिस इज असन बट अच्छा इसको लिखने का सही तरीका ना ये है इसको लिखने का सही तरीका ये ठीक है लेकिन जावा में अगर आप की में ना ये ना भी लिखे तो चल जाता है मिसाल के तौर पे आपने इसको ऐसे कर दिया तो भी चल जाता है लेकिन अगर आपने इसके बीच में आपकी की में अगर स्पेस है तो फिर आप क्या करेंगे फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता फिर आपको ऐसे करके ही लिखना पड़ता है

प्रॉब्लम से बचने के लिए वो आपको फोर्स करते हैं कि नहीं यार आप इसमें लगाओ वैसे करके राइट तो ये वाला सीन है ताकि मतलब वो इसलिए आपको फोर्स करते हैं मे बी आप कॉपी करके ना कहीं और भी अगर रखें उसको कल को जैसे मतलब जावास्क्रिप्ट के अलावा तो भी वो प्रॉब्लम ना करे मतलब जो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन है ना जेसन की उसमें की को भी आपको कोटेशन में लिखना पड़ता है तो इसलिए वो आपको फोर्स कर रहे होते हैं और कोई मसला है नहीं है अच्छा जी तो हमने कोर्स को डिस्कस कर लिया ये हमारा एक लोकल वेरिएबल है जैसा कि आप सब जानते हैं ठीक है एक लोकल वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एरे है जो कि और उसके अंदर कुछ मेरी पोस्ट मौजूद है ठीक है जी अब मैं आ जाता हूँ नीचे गेट पोस्ट हमने कर लिया था गेट के दोनों दोनों एपीआई लिख ली थी हमने सिंगल पोस्ट गेट करने की भी और सारी पोस्ट गेट करने की भी ठीक है अच्छा ये जो मैं लिखने का जो तरीका है ना मेरे स्लैश पोस्ट स्लैश पोस्ट स्लैश पोस्ट दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स जो हमने रेस्ट एपीआई के पांच प्रिंसिपल्स पढ़े थे अगर आपको याद हो तो वो के जो प्रिंसिपल्स है, उनमें से ये एक यूनिफॉर्म रिसोर्सिफॉर्म यू आर एल होना चाहिए आपका तो पोस्ट के नाम से मैंने चार रिक्वेस्ट बनाई एक गेट एक पुट एक पोस्ट और एक डिलीट और फिर उसमें एस लगा के भी मैंने गेट बनाया कि भाई सारी सारी चीजें गेट करने के लिए तो जब भी यू के अंदर एस लगा हुआ होगा तो ऐसे आ, मतलब अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन वर्ट पीपल फॉलो उसके accordingly, अगर एस लगा हुआ में तो इसका मतलब है कि वो क्या रिटर्न करेगा एक एरे रिटर्न करेगा. ठीक है? वैसे तो आप कुछ भी रिटर्न करते हैं गाइडलाइन तो है जो लोग फॉलो करते हैं वो आपको कहेंगे कि यार आप इसमें एस लगा पुट पैच से या कोई डिफरेंट है अच्छा यार हम पैच और दूसरी भी बहुत सारी टाइप की रिक्वेस्ट है मतलब चार जो है वो मोस्ट कॉमन है सही है जो गेट पुट पोस्ट डिलीट हम कवर कर रहे हैं वो मोस्ट कॉमन है उसके अलावा भी बहुत सारी रिक्वेस्ट है लेकिन वो इतनी कॉमनली यूज नहीं होती ठीक है ना इस लेवल पे आप ये चार अगर समझ लें तो मेरे ख्याल मेरा बेहतर होगा क्योंकि में अगर हम पढ़े ना तो मैं बताने को तो मैं मैं मुझे क्या मैं तो बता दूंगा लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी बिलाव तो आप फिलहाल इसको, इसको इस्तेमाल करते हुए ऐप बनाने की कोशिश करें ना कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करें इसको आप करके ना मतलब जितना मैं बता रहा हूँ और इतने में आप अच्छा खासा कुछ चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप टाइम लगाए इसके ऊपर तो तो अच्छा जी पुट <coughs> पुट जब बंदा करेगा करेगा तो में भी क्या करेगा? कोई ना कोई आईडी भेजेगा कि भाई कौन सी पोस्ट को मुझे चेंज करना है मुझे ठीक है उसकी आईडी भेजेगा क्योंकि जाहिर है सारी पोस्ट तो चेंज नहीं होगी कोई एक होगी एक वक्त में तो वो आईडी मुझे भेजेगा और वो आईडी में क्या करूंगा एक वेरिएबल में उसको ले लूंगा इस तरह करके सही है ये पुट कर रहा हूं मैं यानी एडिट पोस्ट एडिट हो रही है मेरी अच्छा ये आईडी भेज दी बंदे ने यूआरएल के अंदर कि भाई ये मेरी आईडी है पोस्ट की अच्छा फिर बॉडी के अंदर मुझे वो क्या भेजेगा बॉडी के अंदर मुझे वो डेटा भी भेजेगा कि क्या जो है ना वो चेंज करना है, ठीक है जो में मुझे मिल रहा होगा ठीक है अब मैं क्या करूंगा मेरे पास आईडी आ चुकी है कि पोस्ट की आईडी मेरी क्या है अच्छा आईडी टू तो इंडेक्स मेरे केस में ठीक है तो मैंने कहा पोस्ट्स का इंडेक्स आईडी इक्वल्स क्या कर दो ये वाला डेटा कर दो उसका ये मेरा बन गया पुट अच्छा पुट करने के बाद हम क्या करते हैं कि वही वाली जो चीज है उसको रिटर्न भी कर देते हैं ठीक है तो मैंने क्या कर दिया पोस्ट का इंडेक्स आईडी डी यहां से रिटर्न करवा दिया मैंने मॉडिफाई करने के बाद जो चीज मैंने मॉडिफाई है वही चीज मैंने यहाँ पे रिटर्न भी करवा दी ठीक है जी उसके बाद डिलीट है तो डिलीट के लिए भी मैं क्या करूंगा आईडी लूंगा कोई ना कोई भाई कौन सी पोस्ट को डिलीट करना है और वो करने के बाद मैंने कहा पोस्ट का इंडेक्स आईडी ठीक है ये भी एक तरीका है उसको डिलीट करने का ना ठीक है हम ये देख लेते हैं कि वैसे तो स्प्लाइस वगैरह से भी आप कर सकते हैं डिलीट लेकिन ये एक नया तरीका है डिलीट करने का आ, इसको मैं अगर आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा दूँ ताकि रेफरेंस रह जाए साथ में अच्छा इन्होंने स्प्लाइस सही करके दिखाया हुआ यहाँ पे भी ये रहा एक दोस्त ने यहाँ पे इस तरह भी करके दिखाया हुआ ये तरीका देख रहे हैं आप डिलीट यार वो जो एमडीएन का आता है वो नहीं आ रहा एमडीएन लिखता हूँ अच्छा मैंने डिलीट की स्पेलिंग सही नहीं लिखी ना जब नहीं आया डिलीट एरे एमडीएन डिलीट ऑपरेटर सही है तो ये आपका जो है ना रेफरेंस आ गया, ठीक है जी अच्छा ये डिलीट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट और एरे दोनों पे इक्वली काम कर रहा होता है अब इसको ऑब्जेक्ट पे भी यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? डिलीट एक्सप्रेशन डिलीट डॉट प्रॉपर्टी एरे पे भी अगर ये करके दिखा रहे ना अच्छा अभी मुझे इसका डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा लेकिन ये तरीका जो है ना इस तरह से भी इसको कर सकते हैं हम अच्छा तो मैंने सेव कर दिया जी और डिलीट करने के बाद मैंने क्या कहा कि भाई डिलीटेड ठीक है तो ये मेरे डिलीट की एपीआई बन गई अच्छा तो जो मेरी एक रिसोर्स की जो एपीआई बनेंगी वो ये बनेगी सारी एटलीस्ट पांच बनेगी अच्छा पांच से ज्यादा भी बनेगी उस केस में जैसे मेरे पास पुट में ना एक आइटम एक वक्त में एडिट हो रहा है अगर मैंने बल्क एडिट लगाया हुआ है ठीक है ना या डिलीट के केस में मेरे पास अभी एक वक्त में एक ही आइटम डिलीट हो रहा है अगर मैंने बल्क डिलीट लगाया हुआ ठीक है तो उस केस में क्या होगा कि फिर डिलीट भी दो बनेगा मिसाल के तौर पर अगर मैं डिलीट भी यहाँ बना देता हूँ तो मैं इसमें फिर आईडी इसमेंट सही और एम टी रे सॉरी और डिलीट यहाँ से हटा दूंगा मैं। क्योंकि सभी डिलीट करना है तो मैंने एम टी जो इनिशियल वैल्यू थी वो रखवा दी इसमें और डिलीटेड एवरीथिंग थिंग बट आप नोट कीजिए इसमें रिसोर्स अच्छा, इस आप इसी तरह प्रोफाइल को भी क्रिएट एडिट डिलीट सब कर सकते हैं ठीक है ना सर्वर पे एट द एंड यही काम हो रहा होता है कि चीजें करड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है मुख्तलि रिसोर्स पे पोस्ट पे लोगों की प्रोफाइलों पे ठीक है और जैसे अगर हम जैसे YouTube की बात करें तो वीडियो उस पे राइट वीडियो क्रिएट हो रही होती है, वीडियो हो रही होती है वीडियो वीडियो तो नहीं हो रही है वीडियो का मैटर डाटा हो रहा होता है कि वीडियो का टाइटल वगैरह आप जब वीडियो क्रिएट करते हैं तो वो सब क्रिएट हो जाता है मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं ठीक है बल्क एडिट बल्क डिलीट वगैरह सब कुछ है तो एट द एंड सर्वर पे यही क्रड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है मुख्तलिफ रिसोर्स के ऊपर अच्छा जी कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं सर एमवीसी पैटर्न एमवीसी पैटर्न प्लीज अभी नहीं <laughs> मैं बोलना शुरू करूंगा तो वो क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा अच्छा प्लीज एक्सप्लेन अगेन व्हाई वी डिड पोस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी उमर ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये वाला काम मैंने क्यों किया दोस्त ये ना एडिट हो रहा है असल में ठीक है ये एडिट हो रहा है और मुझे आई आप ही ने आप ही ने उमर कौन सा डिलीट समझ नहीं आया ये वाला अच्छा पहले तो मैं इनके दूसरे दोस्त का सवाल का जवाब देता हूँ जिन्होंने चैट में पूछा हुआ है ये पुट जो है असल में एड, ये एडिट एडिट करते हुए बंदे ने मुझे एडिट करते हुए बंदे ने मुझे आईडी प्रोवाइड की कि वो कौन सी पोस्ट को एडिट करना चाहते हैं ठीक है जी और वो आईडी मुझे यहाँ पे मिल चुकी है तो मैंने कहा पोस्ट के एरे में जाओ उस इंडेक्स पे जाओ और उस इंडेक्स पे क्या रख दो जो अभी बंदे ने भेजा है बॉडी में वो रख दो ठीक है अभी जो बंदे ने नया डेटा भेजा ना बॉडी में उसमें वो रख दो अब यहाँ पे मैं इफ एल्स की कंडीशन भी लगा सकता हूँ कि अच्छा यार बॉडी में कुछ होना चाहिए जब भी उसको यानी कि वो रखे अदरवाइज उसको वापस भेज दे कि नहीं भाई बॉडी में आपने अब इस तरह की इफ एल्स की वैलिडेशन वाली कंडीशन बहुत सारी यहाँ लगेगी ऑफकोर्स लेकिन वो मैंने अभी नहीं लगाया अभी बहुत ही सिंपल रखा है उसने मैंने तो ये क्या किया बंदे ने इस इस केस में कि के जो भी बंदे ने मुझे पोस्ट का डाटा भेजा था नया वाला वो रखवा दिया मैंने पुराना हटा दिया पूरा अच्छा जी जी सलील ये लाइन uh, नंबर 52 और 56 पे जो आरईक्यू आ रहा है दैट लुक्स एम दैन लाइक दन इन फोर्टी सिक्स और वहां पे हवर करने पे वो कहता है कि लाइक अंडर अंडरस्कोर करो इस चीज को काइंड वो क्विक फिक्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो कहता है कि अंडरस्कोर ये करो एक प्रीफिक्स ऑल अनयूज्ड डिक्लेरेशन विद अंडरस्कोर तो ये हम लोग इस्तेमाल लाइक ये क्या सीन है देखें यह अब यहाँ पे ना मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है और इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो इसलिए हल्का सा इसने डिम इसको किया हुआ है ना कि भाई ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आ, मतलब अनयूज जो वेरिएबल्स होते हैं जाहिर है ये क्योंकि इसका लोकल वेरिएबल है दिस इज अ फंक्शन इफ यू आप अगर इसको गौर से देखें तो दिस इज अ फंक्शन ये है ये देन बॉडी स्टार्ट बॉडी तो अगर ये दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं जब ये फंक्शन बनेगा तो ये मेमरी में जगह लेंगे ये दोनों तो इसलिए वो कहता है कि भाई अगर आपने कोई ऐसी चीज बना दी है कि जो है ना आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उसको हटा दें बिला वजह वरना स्पेस ज़या कर रहा होगा वो आपके अच्छा अब क्योंकि इसमें मेरे पास हटाने का ऑप्शन नहीं है ठीक है क्योंकि सीक्वेंस से मुझे डेटा मिलता है फंक्शन के अंदर तो मैं को चूंकि मैं यूज कर रहा हूँ सेंड के लिए तो मैं रिक्वेस्ट कुछ ना कुछ पहले लिखना पड़ेगा मुझे सेकंड नंबर पे ही मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा हमेशा तो अब यहाँ पे ना ये सजेशन दे रहा है कि भाई आप ना इसके आगे आ, आ, मतलब अंडर स्कोर वगैरह लगा दें तो उससे जो है ना कोई नॉर्ट जे का इंटरनल मैकेनिज्म होगा ये मुझे पता नहीं है ठीक है कि नॉर्ट जीएस का कोई इंटरनल मैकेनिज्म होगा कि वो अंडर स्कोर से शुरू होने वालों को शायद देता हूँ मेरी भी लेकिन मैंने कभी इस तरह लगाया नहीं है मैंने खुद पर्सनली कभी इस तरह, इस तरह इस्तेमाल नहीं किया कि उसको मैं इसी तरह छोड़ दूंगा नॉट अ प्रॉब्लम अभी इन्होंने फ्रेमवर्क ही ऐसा बनाया तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं पाइथन में इस मसले को द वे उन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया है उन्होंने कहा नेम्ड पैरामीटर होंगे तो उसमें ये मसला नहीं आता सीक्वेंस से उसमें नहीं होता उसमें भी दे दो तो आप नेम्ड को उन्होंने बड़ा अच्छा है इसमें, आ, मतलब हैंडल किया लेकिन कुछ चीजों में, में जैसे कि ये है। इस केस में पाइथन ने जो काम किया वो ज्यादा बेहतर किया हुआ अच्छा सर अगर कोड ड्राई रन हो जाए तो मेरे ख्याल में फायदा रहेगा यार ड्राई रन तो आप करेंगे ना मैंने तो बिल्कुल सिंपल जावा सरफ लिखी है इसमें तो कोई आ, कोई मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए वायरल ये कोड आपके पास है अब इस कोड की मैं कॉपी बनाऊंगा और इसमें आप डेटा बेस कनेक्ट करूंगा जाहिर है अब ये लोकल ऑपरेशंस मैंने किए हैं ये कभी आप करेंगे भी नहीं रियल लाइफ में तो आप ये कभी भी नहीं करेंगे ना रियल लाइफ वाले जो एप्स होंगी उसमें तो डेटा बेस होगा तो अगर आपको ये लोकल ऑपरेशन समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो इट्स ओके काइंड ऑफ ना बट बस ये इतना देखें कि एक वेरिएबल है लोकल उसी में चेंज हो रहा है जो भी हो रहा है तो सर फोटो आउट डिलीट तो थोड़ा सा सर रन uh, करके दिखा रहा हूँ फोटो रन करके देख लेते हैं यार और बोलो इंडेक्स uh, डॉट अच्छा पोस्टमैन से रन कर लेते हैं अच्छा ये भाई दफे मैंने वो आ, बना दिया था जो आपको टास्क दिया था ना मैंने वो यहाँ पे मैंने बना भी दिया तो जिन लोगों से नहीं बना था वो प्लीज यहाँ पे देख लीजिएगा इसको कंसर्न कर लीजिएगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है खैर पुट और डिलीट जो मैं पोस्टमैन से रन कर लेता हूँ फिलहाल ये क्योंकि उसमें पुट और डिलीट उसमें नहीं है उसमें दो ही चीज है सी डी फाइव ओके npm start and here you go गो अच्छा पोस्टमैन की तरह की एक चीज है थंडर क्लाइंट वो वीएस कोड के अंदर ही मुझे मिल जाता है ये आप आप यहां से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं ये जो है स्टोर है इसका एक्सटेंशंस का स्टोर है यहाँ पे आप जाके थंडर लिखेंगे तो आपको ये थंडर अवेलेबल हो जाएगा ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है आप जस्ट बटन दबाएंगे इंस्टॉल हो जाएगा और मेरे पास इस तरह आ रहा है ये अच्छा तो आई वुड नॉट से कि ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा आइटम है कोई मतलब कुछ इसमें छोटे मोटी चीजों पर ये ग्लिच भी करता है कुछ चीजें इसमें इन्होंने इतना इतने अच्छे से नहीं बनाई है लेकिन सम टाइम सम टाइम बहुत हैंडी रहता है इसको, इसको इस्तेमाल करना और बहुत हैंडी इसलिए रहता है कि ये वी कोड के अंदर ही मुझे अवेलेबल हो जाता है तो आ, मतलब लॉग्स भी मुझे नीचे दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पर और ऊपर में एपीआई कॉल करता हूँ नीचे मुझे लॉग्स दिख जाते हैं तो समाइम काफी हैंडी रहता है ठीक है अदरवाइज जहां पे आ, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो सम टाइम मैं पोस्टमैन पे जाके करता हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है ये ना रिस्पॉन्स में भी कुछ गड़बड़ करेगा ये मतलब जो इसका रिस्पॉस आ रहा होता है मुझे उस पर भरोसा और एक दो दफा ऐसा हुआ भी है कि इस पे मैं चला रहा था वो अलग ही रिजल्ट दे रहा था कुछ लेकिन पोस्टमैन पे चलाया तो बिल्कुल सही चल गया तो इसलिए मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको सब इसको यूज करें लेकिन सम टाइम इसको यूज करना हैंडी रहता है अच्छा जी

अच्छा जी तो मैंने कहा पोस्ट और एस लगाया ताकि मैं गेट कर सकूं सारी पोस्ट को अच्छा जी ये मेरे पास गेट होके आ गई सारी पोस्ट अब मुझे पोस्ट नंबर वन को क्या करना है मॉडिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा पुट की रिक्वेस्ट करूंगा ठीक है जी और पोस्ट स्लैश जीरो आईडी देनी पड़ेगी मुझे अच्छा बॉडी में जाऊंगा और बॉडी में जाके क्या कहूंगा अब कुछ नया मैं टैक्स देना चाह रहा हूं इसको ठीक है some new text, okay okay and send, okay. modify हो गया क्योंकि मॉडिफाई जब मैं कर रहा हूं तो मैं वही चीज रिटर्न भी कर रहा हूं राइट right? अच्छा अब मैं दोबारा जाता हूं गेट और ऑल पोस्ट तो देखें ये मॉडिफाई हो चुका है अच्छा इसी तरह अब मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा सबसे टॉप वाला जो है पहला वाला यानी एक मेरे पास सम न्यू टैक्स है एक पोस्ट वन है एक पोस्ट टू है तो ये मैं फर्स्ट वाले को डिलीट करना चाहूंगा तो जाके मैं क्या करता हूं? फर्स्ट वाले को मैंने कहा पोस्ट, पोस्ट स्लैश जीरो अच्छा बॉडी में अगर कुछ हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता मतलब क्योंकि मैं बॉडी की कोई चीज को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा ना उस उसपे मैं कुछ रिला तो अगर बॉडी में कुछ पड़ा भी है तो मसला नहीं है चला भी जाए तो खैर है तो मैंने सेंड किया ये क्या हुआ आई डी इज नॉट डिफाइंड डिलीट के रिक्वेस्ट पर इसने कहा अच्छा 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 ये मैंने प्रॉब्लम किया ना आईडी को मुझे इस तरह करके पहले पिक करना था यहाँ पे ठीक है क्योंकि आईडी मुझे कहां से मिलती है रिक्वेस्ट डॉट डॉट से मिलती है राइट तो आईडी को मैं इस्तेमाल कर रहा था बट यहाँ पे ये यह मौजूद नहीं थी तो मैं उसको क्या करता हूँ सर्वर को मैंने रोका और सर्वर को रोक के दोबारा चलाया सर्वर को रोक के दोबारा चलाने की सूरत में क्या होगा जो मेरा डेटा था सारा वो खत्म हो चुका है राइट तो मैं अब अगर गेट करूंगा तो मुझे डेटा क्या मिलेगा पोस्ट जीरो दोबारा से पोस्ट जीरो हो चुकी है अपनी जगह पर आ चुकी है राइट जो मैंने चेंजेस की थी वो हो गई ठीक है और यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बेस हमारे लिए है. स्लैश जीरो. अब मैं पोस्ट जीरो को दोबारा से डिलीट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ डिलीटेड कह दिया इसने अब मैं दोबारा गेट करता हूँ इसको सही है गेट और पोस्ट में मैंने एस लगाया सारी पोस्ट गेट की तो वो शुरू वाला डिलीट हो चुका है ठीक है जी अच्छा जी तो अब हम क्या करते हैं अब हम मूव कर जाते हैं आ, अच्छा सर ये सिर्फ रन टाइम के लिए ही होगा मतलब आप सर्वर रिफ्रेश होगा तो वो दोबारा से वही वेरिएबल के करेगा वेरिएबल है ना वेरिएबल तो रीसेट हो जाता है बट अगर हम डेटाबेस में जब चले जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा राइट हम अभी लोकल वेरिएबल यूज कर रहे हैं अच्छा तो मैं इस पूरे ऐप का एक इस पूरे फोल्डर का मैं कॉपी बना लेता हूं और उसको मैं कह देता हूँ मॉन्गोडी राइट सिक्सोडी और दोबारा से अच्छा कुछ ये कमेंट वाला कोड में हटा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन रहे मेरा कोड ठीक है कुछ कमेंट्स वाला कोड है वो मैंने पीछे क्लास में चुके है वो तो उसको मैंने यहाँ से हटा दिया लोकल वेरिएबल की अब मुझे जरूरत नहीं रहेगी कोर्स ठीक है अब मुझे चाहिए होगा इसमें मोंगोटीबी तो जी मोंगो की हम चलते हैं वेबसाइट पे और सबसे पहले हम देखते हैं कि MongoDB को अपने एक्सप्रेस की ऐप से कनेक्ट करने के लिए हम जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं और जो सबसे ज्यादा लोग लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो है मोंगोस ठीक है मोंगोडीबी की अपनी भी एक लाइब्रेरी है लेकिन हम मोंगोस इस्तेमाल कर रहे होते हैं ज्यादातर क्योंकि मोंगोस के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एस uh, क्यू के बैकग्राउंड वाले लोगों को भी Uh, काफी हेल्पफुल रहता इस है है इसमें वैलिडेशन बिल्ट इन मौजूद जो कि उनकी अपनी लाइब्रेरी में चीजें बहुत सारी मिसिंग है है ठीक लेकिन अब अभी की अगर मैं बात करूं करंट की तो बहुत सारे लोग उसको भी अब लाइक करना शुरू हो गए क्योंकि मॉंगोडीबी की जो अपनी लाइब्रेरी है उसमें भी उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं ठीक है तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही बात है कोई दोनों में ऐसा फर्क नहीं है ठीक है अभी राइट right नाउ की बात कर रहा हूँ आज से तीन साल पांच साल पहले तो ये ज्यादा रेकमेंडेड था लेकिन अभी दोनों अब ऑलमोस्ट इक्वल आ चुका है अच्छा तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है मुझे इसको इंस्टॉल करना है अब इंस्टॉलेशन इन्होंने नहीं बताई रीड द डॉक्स में चलते हैं अच्छा ये इंस्टॉल इस तरह कर सकते हैं मैं कहां पर आया हूं मंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में क्विक स्टार्ट वाले सेक्शन में ठीक है क्विक स्टार्ट लिखा हुआ है या गेटिंग स्टार्टेड लिखा हुआ है एक ही बात है तो मैं इस तरह से इसको इंस्टॉल कर लेता हूं ठीक है जी चैट 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 टुडे वी स्टार्ट मांगोडीवी यस वी आर एक्चुअली स्टार्टेड मांगोडीवी अच्छा इसको सर्वर को मैं रोक देता हूं, और सर्वर को रोक के मैं कहा आ जाता भी अब मैं माइनस माइनस सेव माइनस माइनस सेव इज ऑप्शनल नाउ राइट तो माइनस माइनस सेव में, मैं में और हटा भी दू तो मसला नहीं है ठीक है उसको बावजूद भी वो कर पाएगा उसको आ, आ, इंस्टॉल की जगह शॉर्ट में आप आई भी लिख सकते हैं अगर चाहे ठीक है जी थी, ये हो गया अच्छा एक और छोटा सा टूल है उसका नाम है नॉर्ड मॉन राइट नॉर्ड मॉन ओ तो आ, मैं यहाँ पे नॉर्ड मॉन भी इंस्टॉल कर लेता हूं कैसे करूंगा मैं एनपीएम आई माइनस जी इट right? अच्छा मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है बट जस्ट फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जैसे उसको मैं चला रहा हूँ कमांड को अच्छा सूडो मैंने इस वजह से लगाया कि क्योंकि मैं ग्लोबल इंस्टॉल कर रहा हूँ एक लाइब्रेरी को एक 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 पी के पैकेज को मैं ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मुझे सूडो इसके लिए लगाना जरूरी है तो अगर आप लिनिक्स पे या मैक पे हैं तो आपको सूडो लगाना पड़ेगा इसको इंस्टॉल करने के लिए अच्छा नॉर्ड जो है वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है तो क्या होगा? मेरी जो है, वो चल पड़ेगी बट अगर उसमें एरर आ गया कोई तो वो क्रैश हो जाएगी और क्रैश होकर वो बंद हो जाएगी सही है लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पे आपको क्या करना होता है जब भी आप कोई चेंज करते हैं तो आपको अपना सर्वर रीस्टार्ट करना होता है राइट तो इसके लिए नॉर्ड मॉन

ठीक है फॉर एवर नाम की भी एक कमांड वो है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फॉर एवर इज स्पेशली डिजाइन फॉर प्रोडक्शन राइट इज नॉट फॉर इज नॉट फॉर डिवेलपमेंट प्रोडक्शन के केस में तो उसमें एक्चुअली वो क्या करता है आ, किसी भी वजह से आपका सर्वर क्रैश होता है उसको दोबारा स्टार्ट कर देता है आ, लेकिन वो डेवलपमेंट के लिए नहीं डेवलपमेंट के लिए ये वाला है अच्छा तो अब मैं क्या करूंगा मैं हर दफा ऐसे नॉर्ड मॉन यहाँ आगे नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट ऐड करूंगा डेव के नाम से ठीक है तो ये मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ चीजों को ना क्योंकि नॉर्ड का पैकेज अगर कोई भी रन करे एनपीएम का पैकेज है मेरी ये ऐप जो है पूरी ठीक है तो कोई भी इसको रन करना चाह रहा है अगर तो वो यहाँ आके स्क्रिप्ट देख लेगा कि अच्छा रन करने में क्या क्या ऑप्शन है तो मैं डेव की एक स्क्रिप्ट लगा रहा हूँ डेव स्टैंड फॉर डेवलपमेंट तो मैं कहूंगा नॉर्ड मॉन स्पेस इंडेक्स डॉट एम जी एस राइट अच्छा अब मैं इसको अब मैं अपनी ऐप को रन करने के लिए प्रोडक्शन में अगर रन करना है तो मैं कहूंगा एनपीएम स्टार्ट राइट दिस इज प्रोडक्शन ओके और डेवलपमेंट के टाइम पे एनपीएम रन डेफ राइट npm रन डेफ right? किया मैंने npm रन डेफ करूंगा तो नॉट मॉन के साथ चलेगा ये ऑटोमेटिकली तो जब भी मैं सेव करूंगा आप नोट करें मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली सर्वर को रिस्टार्ट कर रहा है अच्छा तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि मांगुडी भी हम लगाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा उसको चेक भी करते जाएंगे तो इसलिए मैंने नॉट मॉन पे इस पॉइंट पे आपको बताना जरूरी समझा

Watch like ये जो, मतलब, you know, आप अगर इंडेक्स करेंगे टर्मिनल में एक बार अगर नोड इवन वो एम जे एस की फाइल लगा दो या, या whatever, uh, then it will keep on looking ha हाँ. okay karo aap score kar लीजिएगा कि माइनस w से क्या होता है मैंने नहीं कभी लगाया माइनस w तो बट सिंपलेस्ट अभी सिंपलेस्ट रखते हैं ताकि सब लोग उसको कर पाए जी दोस्त अच्छा सर ये नॉट बाउंड जो है ये इसको इस तरीके से मतलब हम समझ सकते हैं कि ये डेटाबेस में ट्रांजैक्शन कमिट करने के लिए यूज होगा नहीं 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 नहीं, नहीं।

जो जिसको हम इसके लिए कर रहे हैं ठीक है टर्मिनल पे चला सकते हैं आप इसको जहां पे भी टर्मिनल अवेलेबल है, ये चलेगा। जरूरी नहीं है होना। करेगा। इतना इसका और कुछ नहीं तो सर एक सर वीडियो देखी थी, थी उसमें गिट के साथ उसको उन्होंने ये इंस्टॉल करके बताया था वो उन्होंने बेनिफिट क्या बताया था वो तो मैं भूल गया बाकी इसके अलावा पूछना ये था कि आपने आप टर्मिनल में

जो ना कोई होगा दूसरा सीन इसका जो हमें नहीं पता चल रहा कोई अंदर से सेटिंग वाइटिंग होगी इसकी सही है तो खैर हमने क्या किया इसको हाथ से कर दिया फिलहाल के लिए तो ठीक है ऐसे भी चलेगा ये अच्छा अब हम आगे आ जाते हैं अभी ये क्या कर दिया डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्शन इंपोर्ट करने के बाद अब सबसे पहले मुझे MongoDB से कनेक्ट करना है राइट right? अच्छा मोंगो डीबी से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि मोंगो डीबी डेटाबेस जो है ना एक अलग एंटिटी है जो कहीं रन हो रही होगी क्लाउड पे रन हो रही हो या आपकी मशीन पे रन हो रही हो ठीक है अलग एंटिटी राइट right? अच्छा तो ज्यादातर कोर्सेज में क्या होता है कि वेब डेवलपमेंट में आपको लोकल मशीन पे वो इंस्टॉल करते हैं मोंगोडीबी और उससे कनेक्ट करवाते हैं राइट right? लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हमने सर्वर भी डायरेक्ट क्लाउड पे ही डिप्लॉय किया है ठीक तो हम डायरेक्ट क्लाउड वाला डेटा ही समझ लेते हैं कि क्लाउड वाला डेटाबेस जो है वो कैसे होता है इम्पोर्ट से होगा रिक्वायर रिक्वायरमेंट आता है okay. तो अब मुझे क्लाउड पे मोंगोडीबी कौन दे रहा है मोंगो डीबी ठीक है जी मोंगो डीबी uh, uh, ये डीबी का अपना क्लाउड है जो आपको पांच सौ एम बी का डेटा बेस देता है ठीक है फ्री में अच्छा तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ मेरा इसमें पहले से अकाउंट मौजूद है तो मुझे ये लॉग इन का ऑप्शन दे रहा है आपका अगर पहले से अकाउंट मौजूद नहीं है तो आपको पहले इसमें साइन अप करना होगा और मैंने गूगल से लॉग इन कर लिया अच्छा अब हमारे केस में यहां पर मैं आ जाता हूं डेटा में ये मैं इस वक्त में मौजूद हूं ठीक है तो मेरे पास जो है वो एक डेटा पहले से बना हुआ है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे क्लस्टर जीरो के नाम से नजर आ रहा है ठीक है अच्छा फ्री में ये एक ही अलाउ करता है मैं क्रिएट करूंगा ना सेकंड तो शायद ये मुझे एरर दे देगा अच्छा खैर एरर नहीं दे रहा तो मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ कि क्रिएशन के स्टेप्स क्या हैं अच्छा पहले ये पूछेगा कि भाई आपको डिप्लॉय कहाँ करना है मैंने कहा ए डब्ल्यू एस पे कर दो क्योंकि ये बैकएंड पे ये भी ए डब्ल्यू एस पे और गूगल क्लाउड पे ही अ, अपनी चीज़ को डिप्लॉय कर रहे होते हैं कंप्यूटिंग पावर इनकी खुद की नहीं है बकॉल इनके ठीक है जी अच्छा ये हो गया उसके बाद आपसे ये पूछता है रीजन अब ये रीजन आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे ये रीजन आप वो वाला सेलेक्ट करेंगे जो आपके सर्वर से करीब तरीन है अच्छा कोई प्लीज ये बात रिपीट कर सकता है कि मैंने सर्वर का रीजन सेलेक्ट करना कैसे बताया था सर्वर के लिए आप कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे वो मैंने ये नहीं बताया था वो मैंने कुछ और बताया था सर्वर का रीजन कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन सी कंट्री में होगा जहाँ सबसे हुँ। हुँ। जहां पे आपका यूजर है ठीक है जहां से आपका यूजर उसको ऐप को ओपन करेगा वहां से करीब तरीन आपका क्या होना चाहिए सर्वर ठीक है और सर्वर से करीब चाहिए ठीक है यूजर से करीब तरीन नहीं सर्वर से करीब रही है वो यूजर के पास से नहीं की जा रही वो सर्वर के पास से की जा रही है राइट ठीक है यूजर कभी भी कोई बटन प्रेस करेगा तो रिक्वेस्ट कहा जाएगी सर्वर पे जाएगी और सर्वर डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा यूजर डायरेक्ट कभी भी ऐसा नहीं करेगा ठीक है अभी कुछ जो ये वाले हैं, ये जैम स्टैक वाले बंदे हैं हैं बोलते है कि यार जब यूजर बटन दबाए ना तो डायरेक्ट में रिक्वेस्ट जानी चाहिए और ये फायर बेस में ऐसा हो भी रहा है लेकिन जो क्लासिक अप्रोच है मोंगो डीबी की मर्न स्टैक टू बी मोर एकट तो मर्न स्टैक की जो क्लासिक अप्रोच है वो ये है कि बटन कोई भी यूजर प्रेस करेगा तो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और सर्वर डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ठीक है जी तो मेरा जो है सर्वर जो है वो इस वक्त यूएस में मौजूद है जो हरिको का फ्री वाला जो डायनो देता है वो वो यूएस ईस्ट वन में देता है उनकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि वो एग्जैक्टली exactly कहाँ पे सिचुएटेड है लेकिन ईस्ट वन जो है वो एक एक पोर्शन है मतलब ऐसे जो जो क्लाउड के बंदे हैं जो कंप्यूटर साइंस के क्लाउड के जो बंदे हैं उन्होंने ये है, सर्वर की जो लोकेशन है ना वो यूएस ईस्ट वन ईस्ट टू एस एस डिवाइड किया हुआ है राइट तो कहीं पर भी अगर लिखा हुआ जाए ना यूएस ईस्ट वन तो इसका मतलब होगा कि वर्जीनिया के आसपास कहीं पर है ठीक है ईस्ट टू अगर लिखा हुआ आ जाए तो ये ओहायो के आसपास कहीं है राइट फिर अगर वेस्ट की हम बात करें एक है ईस्ट यानी पूरे यूएसए को भी इन्होंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बांटा तो वो आ, मतलब नॉर्थ है तो मतलब मैप में ऊपर की तरफ कहीं है ये साउथ है तो मतलब नीचे की तरफ कहीं है ठीक है और ईस्ट वेस्ट जो है वो ऐसे राइट लेफ्ट की साइड पर है तो खैर मैं इसमें से एक सेलेक्ट कर लेता हूं अब ये काफी इतनी डिस्कशन हो गई उसके बाद ये मुझसे कह रहा है कि भाई क्लस्टर के ना टीयर सेलेक्ट करें आप कि आपको कितना बड़ा माल चाहिए कितना बड़ा आइटम चाहिए आपको अच्छा तो मुझसे इसने कहा कि हमारे पास जो है दो सीपीयू स्टोरेज और दो जीबी रैम वाला आइटम भी है उसका नाम हमने रखा है एम टेन फिर एक एम ट्वेंटी है लेकिन वो पेड है ठीक है फिर ये है डेडिकेटेड टीयर ये सारे टेयर है ठीक है और हमें कौन सा चाहिए इसमें से फ्री वाला फ्री वाला चला गया अच्छा फ्री वाला मेरे पास इसलिए नहीं आ रहा कि मैं ऑलरेडी एक फ्री वाला बना चुका हूँ राइट वरना इसमें एक ना एक फ्री वाला आ रहा होता है यहां पर इस पॉइंट पे ना सबसे इस पॉइंट पे एक आ रहा होता है फ्री वाला लेकिन वो मेरे पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक फ्री वाला पहले से कंज्यूम कर चुका हूँ बस मैं क्रिएट करूंगा ये थोड़ी देर ऐसा घूमेगा और क्रिएट हो जाएगा तो मैं बैक कर लेता हूँ ठीक है अच्छा क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी कनेक्ट का बटन आपने दबाना है ठीक है कनेक्ट का बटन जब आप दबाएंगे तो आपको दो चीजें सेट करनी है नंबर एक आपको आईपी एड्रेस सेट करना है ठीक है वो आपसे ये पूछेगा उसी वक्त मतलब मुझसे तो नहीं पूछ रहा लेकिन आपके केस में ये एक छोटा सा मतलब आ, वो खोलेगा शुरू में जो आपको सर्वे करवाएगा पूरे का उसमें पूछेगा आपसे तो इस पेज पे यहां से आप क्लिक करके भी जा सकते हैं राइट ठीक है ये मेरे पास जो देखें आईपी मौजूद है आपने ये आईपी लगानी है इस आईपी का मतलब है कि इस डेटाबेस को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है प्रोडक्शन में ये रेकमेंडेड नहीं है प्रोडक्शन में आप अपने सर्वर पे जाएंगे सर्वर की आईपी चेक करेंगे आप सर्वर वाले आपको ना आईपी बता देते हैं कि भाई ये आईपी है हमारे सर्वर की और हमेशा वही रहती है फिर सही है तो वो आप यहाँ पे लगा देते हैं तो फिर उस सर्वर के अलावा ना कोई दूसरा बंदा भी बावजूद इसके कि उसको पासवर्ड मिल भी जाए तो वो आपके इसको हिट नहीं कर सकता ठीक है ना आपके सर्वर को एक्सेस नहीं कर कर सकता तो तो ये हो गई बात अच्छा तो आप इसको से एडिट भी सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं एड का बटन दबाएंगे ठीक है तो आप इसको यहाँ पे कोई भी आई पी कर सकते हैं तो ये इसको देख लें आप जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो चार दफा जीरो है फिर स्लैश एक और जीरो जीरो कौन नोट जेस अब मुझे एक मिनट दीजिएगा रोज़ जी दोस्त क्या सवाल पूछ रहे थे आप मतलब इसका होगा नोट हम आईपी एड्रेस कैसे बताएंगे नहीं, नहीं हरी को आपको बताएगा ना कि उनका आईपी एड्रेस क्या है सही असल में मैं यहाँ पे ना मैं आके को का आईपी एड्रेस लिखूंगा अब आपका सवाल असल में शायद ये हरिको का आईपी एड्रेस मैं कैसे फाइंड आउट वो कहां से निकलेगा ये आपका सवाल है सर आपकी आवाज कट गई थी वैसे सवाल यही था कि आईपी एड्रेस हमें कौन देगा सर्वर मतलब आईपी हाँ, एड्रेस आपको है? सर्वर देगा देखिए अगर जब आप हरिको पे बनाते हैं ना अकाउंट वगैरह तो हरिको पे तो आपको वो स्टेप पूछता नहीं राइट कि आईपी वगैरह से रिलेटेड बात पूछता नहीं है लेकिन जब आप गूगल क्लाउड पे अगर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं आप तो उसमें तो बाकायदा वो आपको आई ना शो कर रहा होता है ठीक है वो फ्रंट पे ही शो कर रहा होता है अच्छा आई एम नॉट श्योर कि हरी को की डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे आईपी बता रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो बता रहे होंगे आईपी राइट और वो आईपी चेंज नहीं होती वो सेम रहती है हमेशा मतलब उनके लोकल सिस्टम की आईपी होती है वो चेंज नहीं होती वो सेम रहती है मोंगो टीबी अलग है हरी को अलग चीज है वो है, और है। आ, है। सर्वर है ये ये डेटाबेस डेटाबेस है है स्टोरेज हमारी पास होगी स्टोरेज हमारी यहाँ होगी मोंगो में ठीक है अच्छा एक तो हमने आईपी सेट कर ली नंबर दो पे अब आ गए डेटाबेस यूजर ये डेटा बेस यूजर क्या चीज है आपका एक यूजर क्रिएट होगा मतलब एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट होगा टू बी एक यूजर पासवर्ड होगा जो कि आपके डेटा का पासवर्ड होगा काइंड ऑफ तो मैं यहाँ जाता हूं मेरे पास पहले से कुछ यूजर कनेक्टेड होंगे इसमें ठीक है जो पहले से यूजर ये मैं किसके डेटाबेस में हुँ? अभी मैं इसको उड़ा देता ये अब मैं आया हूं अपने डेटाबेस में राइट क्योंकि मुझे दूसरे लोगों ने एक्सेस भी दिया हुआ तो ये मैं असल में किसी और के डेटा बेस में था मैंने कहा अभी मैं, अच्छा तो मैं बंद करके दोबारा से आता हूँ आता हूँ मैं डेटा कनेक्ट अच्छा आईपी एड्रेसेस, ये हमने देख लिया मोंगोडी भी यूजर ये मैंने यहां पे पहले से कोई यूजर बना होगा मेरा इसको मैं क्या देता हूं? कर देता हूँ डिलीट कर देता हूँ ये मेरा ही है ना सब मेरा है आ, ओके ये यूजर दोनों मैंने डिलीट कर दिए ठीक है और यूजर दोनों डिलीट करने के बाद अच्छा ये इसलिए मैंने डिलीट कर दी कि टेस्ट में ही चल रहा है ये मतलब जो भी कुछ ये ये जो डेटा है ये आमतौर पर टेस्टिंग के लिए चल रहा है इसमें कोई प्रोडक्शन की चीज नहीं चल रही वरना हम इस तरह जो है ना मतलब कुछ डिलीट नहीं करते डेटा बेस से क्योंकि जो यूजर मैंने डिलीट किया है उसकी वजह से अगर ये डेटा कहीं भी कनेक्ट होगा वहां स्टॉप हो जाएगा चलने ये ठीक है जी अब मैं आया और मैंने कहा पासवर्ड और आ, कुछ पासवर्ड मैंने डी पासवर्ड यहाँ लगा दिया ठीक है अच्छा मैं डी पासवर्ड वन टू थ्री कर देता हूँ इसको ठीक है ताकि पहले से ये थोड़ा मुख्तलिफ हो जाए ठीक है जी और बस मैंने आके इसको क्या करना है अब मैंने नीचे अच्छा रोल बता दिया मैंने कि रीड एंड राइट दोनों मैं दे रहा हूँ इस इस पासवर्ड के जरिए अगर कोई कनेक्ट होता है डेटा से तो उसको रीड राइट दोनों एक्सेस है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ ठीक है सिर्फ रीड भी दे सकता हूँ चाहूँ तो ठीक है कस्टम रोल भी हो सकता है भाई कौन कौन से रोल आपको लेकिन वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम अभी रीड एंड राइट पूरा एक्सेस है और आमतौर पर रखना भी यही होता है आपको और एड यूजर का बटन दबा दिया मैंने एड यूजर का ही बटन दबा दिया तो क्या हुआ मेरे पास और ये यूजर एड हो गया अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई वी आर डिप्लॉइंग योर चेंजेस करंट एक्शन कंफिगरिंग मॉन्गोडी अब ये जो चेंज हमने किया है इसकी वजह से दो चार पांच मिनट उसको लग सकते हैं इस चेंज का इफेक्ट आने में आ, सब पर जी सलील जी कुछ नहीं ओके okay. अच्छा जी तो हमने ये दोनों चीज सेट कर ली हमने अपना आईपी भी सेट कर लिया कि कनेक्ट फ्रॉम एनी कहीं से भी कर लो प्रोडक्शन में रेकमेंडेड नहीं है कर भी सकते हैं अगर चाहें तो वैसा मसला नहीं है इतना बड़ा कोई है क्रिएट यूजर कर लिया एक डेटा का यूजर क्रिएट कर लिया ठीक है जी और अब नेक्स्ट किया मैंने अब ये कह रहा है कि चूज अ कनेक्शन मेथड कि किस तरह से आप कनेक्ट करना चाहते हैं क्या मोंगोडीबी शेल से कनेक्ट करना मांगोडीबी शेल क्या है इनका एक सीएलआई टूल है ना मतलब टर्मिनल पे चलता है उससे आप चीज़ें कुछ चेक कर रहे होते हैं उस तरह हो रहा होता है ठीक है कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन मेरे केस में मेरी एप्लीकेशन से कनेक्ट होगा ये ठीक है नॉट जी की एप्लीकेशन है वर्जन फोर और लेटर ये वर्जन फोर नॉट जी का नहीं है भाई दबा ये मोंगो डीबी का वर्जन फोर है ठीक है मोंगो डीबी जो है अभी इस वक्त जो उसका लेटेस्ट है वो फोर है अच्छा ये मेरा यू आर एल है किसका मेरे डेटाबेस का यू आर एल है ये मैंने इसको कॉपी किया ठीक है और कॉपी करके मैं अपने कोड में आया और अपने कोड में आके मैं क्या कहूंगा मोंगोस डॉट कनेक्ट ठीक है स्ट्रिंग में वो पूरा मैंने यू आर एल यहाँ पे पेस्ट कर दिया राइट अच्छा इस यू आर एल के अंदर आप नोट करें यूजर नेम और पासवर्ड की ना जगह छोड़ी हुई है तो मुझे इस यूजर नेम और पासवर्ड की जगह क्या लगाना है Db पासवर्ड वन टू थ्री पासवर्ड ये तो मुझे याद है और ये क्या था Db यूजर था ठीक है ये मेरा यूजर नेम ये मेरा पासवर्ड परफेक्ट अच्छा जी तो ये कोड मैंने कि मोंगोस डॉट कनेक्ट कहाँ से उठाया मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन से उठाया मैंने ये अच्छा अब जब ये मोंगोज डॉट कनेक्ट में हिट करूंगा तो इस पे ना मुझे कुछ उसका रिस्पॉन्स भी देगा डेटाबेस वो रिस्पॉन्स हम कैसे पकड़ रहे होते हैं मोंगोस डॉट ऑन डॉट कनेक्शन इसको देख लेता हूँ मैं भूल गया हूँ अच्छा कनेक्शन इवेंट्स ये इवेंट कनेक्शन इवेंट्स पे आप जाएंगे ये सारे कनेक्शन इवेंट्स यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं कि कनेक्टिंग पे भी आपको एक इवेंट देगा कनेक्टेड पे देगा डिस्कनेक्टिंग पे डिसनेक्टेड पे क्लोज पे रिकनेक्टेड पे एरर फुल सेटअप ठीक है बहुत सारी चीजों पे ये इवेंट आपको दे रहा होता है ठीक है जी मैं साले कोड एग्जांपल भी दे देता है बंदा एक कोड एग्जांपल नहीं दिया यार बकवास है ठीक है मैं अपनी एक दूसरी एप्लीकेशन से कोड कॉपी कर लेता नॉट अ प्रॉब्लम उन्होंने कोड एग्जांपल नहीं दिया तो क्या होगा हम अपने पास से देख लेंगे Uh, किसमें था जी ओके दिस इज एन ओल्ड एप्लीकेशन सो इट इज इन टाइप स्क्रिप्ट नाउड इज वी आर नॉट यूजिंग इट एनी मोर बट कोई नहीं तो हमने ना ये पूरे कनेक्शन के जो चीजें थी ना वो यहां से उठा ली ठीक है और हम ये अपना यू भी क्या कर देते हैं इसी में पुट कर देते हैं राइट ठीक है जी तो ये मोंगोडीबी का कनेक्शन का कोड मेरा ये पूरा यहां तक आ गया यहां से ये शुरू है ठीक है ये इसमें चार पांच जो मोस्ट कॉमन इवेंट है जो हम हर ऐप में इस्तेमाल करते हैं वो यहां पे लिखा हुआ है ठीक है कनेक्टेड जब होगा तो ये कहेगा मोंगोज इज कनेक्टेड ठीक है जी डिसकनेक्टेड होगा तो ये कहेगा मोंगोज इज डिसकनेक्टेड और एप्लीकेशन को भी एग्जिट कर देगा साथ में ठीक है ये प्रोसेस डॉट एग्जिट है मतलब जो भी नॉट का भी जो प्रोसेस है जो थ्रेड चल रहा है उस थ्रेड को एग्जिट मार देगा ये ठीक है ये अगर मोंगो टीबी डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये करना भी चाहिए ऐसा ठीक है मोंगो डीबी अगर किसी भी वजह से डिस्कनेक्ट होता है तो हम पूरी एप्लीकेशन को डिस्कनेक्ट मार देते हैं ताकि वो जब दोबारा रिक्वेस्ट हो तो सर्वर भी दोबारा चलेगा अब दोबारा चलेगा तो फिर मोंगो डीबी दोबारा कनेक्ट हो जाएगा ठीक है ऑन एरर पर भी मैंने क्या किया हुआ कि है बताया हुआ है कि भाई ये एरर आया ठीक है फिर इसी तरह एक प्रोसेस डॉट ऑन सिग इंट सिग इंट क्या होता है कि कभी अगर uh, सर्वर को मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है तो ये इवेंट मिलता है

और अगर इसकी okay. जगह कोई नंबर होता ना तो वो एरर का कोड होता था ठीक है? Okay. ये C है ये ये लैंग्वेज लैंग्वेज का वो में इस तरह किया करते थे और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ये बहुत मेजर तरीका होता है एरर को बताने का कि कोई भी फंक्शन रिटर्न करेगा जीरो तो मतलब ओके okay और अगर रिटर्न जीरो के अलावा कुछ और किया तो मतलब वो जीरो के अलावा जो नंबर है वो एरर का कोड है सर एक सवाल जी

देखे मोंगोज इज डिस्कनेक्टेड मोंगोज क्या हो गया डिस्कनेक्टेड हो गया और एप्लीकेशन मेरी एग्जिट हो गई ठीक है मैं इसको, असल में अभी तो ये डिवेलपमेंट में चल रहा है ना ये मैंने प्रोडक्शन वाला रन किया एनपीएम स्टार्ट एप्लीकेशन रन हो गई लिस्निंग एन थ्री थाउजेंड अच्छा जैसे ही मोंगोडी भी डिस्कनेक्ट हुआ ना मेरी एप्लीकेशन क्या हो गई एग्जिट हो गई खत्म हो गई अब दोबारा रन होगी तो दोबारा चलेगी ठीक है यानी कंट्रोल सी से मैंने रोक दिया उसको कंट्रोल सी से जो काम होता है वो करवा दिया

ठीक है अगर डेटा बेस कनेक्टेड नहीं है ठीक है तो इनमें से कोई भी रिक्वेस्ट अगर आएगी तो क्या होगा वो एरर के साथ वापस जाएगी तो इस वजह से हमने पूरी एप्लीकेशन को एग्जिट करवा दिया ताकि हमारी रिसोर्स भी बचे अच्छा रिसोर्स बचे नहीं असल बात असल में ये नहीं है कि रिसोर्स बचे असल में बात ये है कि जितनी भी जो इस तरह की टेक्निक्स है ना वो लगी हुई होती है सर्वर पे सही है वो जितनी भी टेक्निक होती है ना जो जो सेल्फ हीलिंग टेक्निक कहते हैं उसको जैसे हरीको पे अगर आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से क्रैश हो जाती है ठीक है तो उसमें सेल्फ हीलिंग का एक मैकेनिज्म होता है अब वो मैकेनिज्म क्या करता है कि एप्लीकेशन आपकी क्रैश हो गई अब जब भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा ना कोई भी यूजर ठीक है एक घंटे बाद दो घंटे बाद यूजर ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश की तो हरीको ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है जगा देता है एप्लीकेशन को दोबारा से रन करने की कोशिश करता है राइट तो अगर एप्लीकेशन में एग्जिट करता हूं ना तो वो सेल्फ हीलिंग का जो मैकेनिज्म है ना वो भी एक्टिव हो जाता है कि भाई एप्लीकेशन पूरी क्रैश हो गई है तो क्या मसला है राइट फिर इस मतलब सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म में बहुत कुछ होता है ईमेल्स e होती हैं कॉल्स होती हैं इवन राइट जैसे गूगल क्लाउड पे अगर मेरा ए, मेरी ऐप क्रैश होती है किसी वजह से तो मुझे ई आएगी कि भाई आपकी फलाफल ऐप थी वो क्रैश हो गई है हर एक भी एप्लीकेशन भेजता है आपके पास चेक कीजिएगा मेल बॉक्स तो डेवलपमेंट के दरमियान आपसे हुआ होगा जब क्रैश हुई होगी ऐप तो उसकी ई आती है आपके पास इसी तरह जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनको वो कॉल भी करते हैं ठीक है ऑटोमेटेड कॉल आती है वो बजती है आपके पास उसको उठाते हैं आप उसमें बोलता है वो कि भाई आपका सर्वर है फलाफला -फला का नाम है वो क्रैश हो गई है तो देख लो जाके क्या सीन है तो हम इस वजह से अगर मोंगो डीबी में कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पूरे सर्वर को जानबूझ के क्रैश करवाते हैं ताकि सेल्फ हीलिंग वाला सिस्टम एक्टिवेट हो ताकि जो यूजर है उस जो यूजर नहीं जो डिवेलपर है उसकी अटेंशन को ड्रैक करके हम यहाँ ला सकें कि भाई देख यहाँ पे हुआ क्या है सही है

गूगल मैप पर हम जैसे कोई लोकेशन लगाते हैं और ड्राइव स्टार्ट करते हैं तो बाद तो चलता रहता है तो वो फिर डेटा आ रहा जा रहा नहीं होता है डेटा क्या मतलब आ रहा रहा जा नहीं होता है? मतलब कि उस वक्त लोकेशन भी एक डेटा है ना सर हाँ वो तो... हमने इंटरनेट बंद कर दिया जब हमारी सर्विस ही बंद हो चुकी है तो अब वो डेटा उसके पास जा रहा है तो फिर तो लेकिन वो सर्विस फिर भी क्या करता है लोकेशन का एरिया का और फिर आप जहां पे आपका लोकेशन है वो जीपीएस से ये कर रहा होता है फाइंड आउट कर रहा होता है और फिर आपको थोड़ा मदद करने की कोशिश करता है लेकिन ऑब्वियसली आपको टर्न बाय टर्न डायरेक्शन नहीं देता वो

असल में मोबाइल ऐप के अंदर ना, ना लोकली भी एक डेटा चल रहा होता है ऐप्स में में पे और iOS की उसमें एसक्यू लाइट करके ना एक मोबाइल फोन का अपना भी डेटा होता है वो भी चल रहा होता है तो वो असल में ये करते हैं कि उनको क्योंकि पता है कि कुछ एरियाज से बंदर ट्रेवल करते हुए गुजरेगा जहाँ पे सिग्नल नहीं होंगे तो आप वंस आप अगर लगा देते हैं ना जो जो डायरेक्शन ठीक है बावजूद इसके कि आपने अगर ऑफलाइन मैप नहीं भी डाउनलोड किया हुआ तो वंस आप डायरेक्शन लगा देते हैं जब तो जितने डायरेक्शन तक आपको जाना होता है ना यानी जो दस किलोमीटर जैसे आपको ट्रैवल करना है तो जितने डायरेक्शन तक आपने लोकेशन लगा दी है वो उतना डाउनलोड कर लेता है उसी वक्त फॉरन ठीक है तो अगर आप चलते चलते किसी ऐसे एरिया में पहुंच जाए या सिग्नल नहीं है या आपने इंटरनेट ऑफ भी कर दिया तो वो चलता रहता है मतलब सही ना क्यों वो इस वजह से चलता रहता है कि जैसे ही आपने लगाया ना तो डेटाबेस से जो जो गेट करना था वो उसी वक्त उसी वक्त उसने कर लिया ऐसा है ठीक है फिर ऑफलाइन तो आपको पता ही है जैसे सलील ने जिक्र किया कि ऑफलाइन भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको तीन महीने के लिए ठीक है होप के आंसर आपको समझ आ गया होगा अच्छा कुछ सवाल और आ रहे हैं हरी को इम्पोर्ट से होगा सर हरिको में यूएस सेट किया था हमने ठीक है जी हरिको यूएस देता है फ्री में सिर्फ अच्छा जब पेड वाले में ना यूएस के अलावा भी उनके पास ऑप्शन है यूरोप वगैरह कनाडा भी ऑप्शन है लेकिन फ्री वाले में उनके पास जो है सिर्फ वो यूएस का ऑप्शन है अच्छा हाँ भाई आप सही कह रहे हैं सही जी ओके जनाब अच्छा जी तो हमने इतना काम तो कर लिया मोंगो के कनेक्शन के का हम हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ गया अब मैं दोबारा से अपनी ऐप को रन कर देता हूँ और मेरे पास लिखा होना चाहिए मोंगो डी MongoDB कनेक्टेड राइट मोंगो डीबी कनेक्टेड का मतलब है एक बन चुका है मोंगो डीबी और मेरी एप्लीकेशन के दरमियान अब क्या होगा कि मैं कुछ भी आ, वो करूंगा यार मैंने एक टिश्यू मुझे देना कैमरे को साफ किया वो उल्टा साफ होने के वजह से ना गंदा ही हो गया एनामॉर्फिक इफेक्ट आ गया इसमें अच्छा जी तो क्या बात कर रहे थे हम

ठीक है जी ये मैं डेटा बेस ये मेरे पास डेटा बेस में चीजें कुछ मौजूद है ठीक है तो मैं इसको यहाँ पे ब्राउज कर सकता हूँ इस तरह करके अच्छा मेरे पास यहाँ पे एबीसी डेटा बेस के अंदर मौजूद हूं मैं इसके अंदर ओ करके एक बना हुआ है कलेक्शन ठीक है जो वन टाइम पासवर्ड जनरेट होता है वो बना हुआ है ठीक है जी इस ईमेल पे ये ओ कोड जनरेट हुआ हुआ है ये ओ कोड जनरेट हुआ हुआ है यूजर्स इसमें मौजूद है ठीक है इनका ये ये यूजर का ईमेल है ये यूजर का पासवर्ड है ये यूजर का फोन नंबर है मेल जेंडर एक्स वाई जेड ये सब टेस्टिंग का डाटा इसमें पहले से मौजूद है तो मैं इसको यहाँ आके ब्राउज कर पा रहा हूँ राइट अच्छा इसी तरीके से मेरे पास एक सॉफ्टवेयर भी है जिसके जरिए मैं इसको क्योंकि ये एक वेबसाइट है वेब एप्लीकेशन है ठीक है वेब एप्लीकेशन इज काइंड ऑफ स्लो समाइम के इन सेंस के आपको एक यूआरएल पे क्लिक करना पड़ता है फिर देन आपको लॉगिन करना पड़ता है मतलब काफी आपको चीजें करनी पड़ती हैं फिर ब्राउज़र में ही रहता है ब्राउज़र से बाहर नहीं जाता तो बहुत सारी चीजें इसमें कंपैटिबिलिटी का भी बहुत सारा इशू रहता है ठीक है तो इसके पास हमारे पास एक ऑप्शन है मोंगो डीबी का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है मोंगो डीबी कंपस ठीक है मोंगो डीबी कंपस है फ्री है कुलजंसन अच्छा इसके अलावा एक रोबो थ्री टी भी है वो भी यूज कर सकते हैं रोबो थ्री टी ठीक है ये दोनों ऐप्स हैं दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशन कॉल्ड डेटा बेस क्लाइंट ठीक है अच्छा एस क्यू एल डेटाबेस के भी क्लाइंट होते हैं जैसे एक्स एम पी पी जैम जो जैम्प है वो क्या करता है जब आप वो इंस्टॉल करते हैं तो एस क्यू के माई एस वगैरह सब कुछ क्लाइंट इंस्टॉल कर देता है तो उस उस तरह की चीज ना ये है यहाँ पर हमारे पास मौजूद यार ये खोल क्यों नहीं रहा है इतनी जल्दी बैटरी आपकी डाउन हो रही है कनेक्ट कर लो। हम, नहीं, आई थिंक मैंने बैटरी सेवर वगैरह कुछ लगाया हुआ है शायद इस वजह से ये ना मस्ती कर रहा है। ये लो बैटरी मोड किया हुआ था अच्छा ये डबल उड़े भाई जितनी बार मैंने क्लिक किया उतनी बार खुल गया ये क्या पागल है असल में ये जितनी बार मैंने क्लिक किया ना ये उतनी बार खुल गया अच्छा जी तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे वही वाला जो यूआरएल है ना वो लाके पेस्ट करते हैं यहाँ से कनेक्ट हो जाता है मेरा डेटा बेस ठीक है मैं तो वो मैं यू कॉपी करता हूँ यहाँ पे से जाके ये मैंने यू को कॉपी किया ठीक है और ये यू को मैंने यहाँ पेस्ट किया लाके और पेस्ट करके कनेक्ट का बटन दबाया तो मैं सेम डेटा बेस से यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाऊंगा जो मुझे वेब एप्लीकेशन पे जाके ब्राउज करना पड़ता है राइट तो मैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया आगे ठीक है मोंगोज डॉट कनेक्ट जो करता है वही सेम काम ये भी कर रहा है ओके okay. ये सिर्फ स्टार्टिंग में इतना वक्त लगता है या हर बार डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एक्चुअली मेरे पास ना कुछ कुछ ये सिक्स सेवन एम की स्पीड से ना कुछ दूसरी चीज डाउनलोड हो रही है लेट मी चेक यार व्हाट इज हैपनिंग उंड अच्छा, में कुछ अपडेट वगैरा पे लग गया है ये कुछ डाउनलोड कर रहा है background में। इतना टाइम नहीं लेता हर दफा ये अभी ही ले रहा है अच्छा असल अच्छा, में अच्छा, एक इसका टाइम लेने का रीजन ये भी हो सकता है कि मैंने इसमें ना सैंपल के डाटा बेस लोड किए हुए हैं जैसे ये सैंपल ट्रेनिंग है चालीस एम का डाटा बेस है ये इसी तरह ये एयर का एक सैंपल डेटा है तो ये मैंने डाउनलोड इस पर किया हुआ है टेस्टिंग वगैरह करने के लिए ताकि कोई भी क्वेरी वगैरह मुझे रन करनी हो तो मेरे पास प्लेंटी ऑफ डेटा मौजूद हो यहाँ पे तो मे तो तो बी इस वजह से जो है ना ये क्योंकि फिफ्टी फोर एम बी ऑफ डेटा बेस इज अ लॉट मतलब चार पाँच साल का डाटा बेस है तो काफ़ी है

असल में जो ज्यादातर कोर्सेज में ना लोकल ही इंस्टॉल करना बताते हैं लेकिन मैं लोकल नहीं बताऊंगा आपको उसका रीजन ये है कि टाइम लगेगा उसमें काफी हमारा और कभी भी जब आप छोटी मोटी एप्लीकेशन भी किसी को बना के डिलीवर करते हैं ना किसी क्लाइंट के लिए जब आप बनाते हैं तो वहां पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं है लोकल वाला वहां पे आपको क्लाउड पे ही करना है तो बेहतर ये कि क्लाउड पे ही सीखा जाए इसको ठीक है वंस यू आर मतलब आप सही से आपको क्लाउड पे करना आ जाए वंस तो फिर आप उसको लोकल भी इंस्टॉल करें कोई मसला नहीं है मोंगो टीबी की वेबसाइट पे आप जाएंगे वहां पे इंस्टॉलेशन का पूरा गाइड उन्होंने बनाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप आप चलाते जाएंगे उसको वो इंस्टॉल हो जाएगा नॉट अ बिग डील ठीक है तो असल तो मांगो टी के अंदर जो चीज़ हमें पढ़नी है वो क्वेरीज लगाना पड़नी है ठीक है कनेक्शन हमने कर लिया अब क्वेरी लगा के डेटा आना और जाना स्टार्ट करते हैं ठीक है लोकल होगा इंस्टॉल तो ये यू ये वाला होगा ठीक है क्लाउड पे होगा तो यू ऐसा वाला होगा बस बाकी नीचे का मैकेनिज्म सारा सेम है चाहे कोई सा भी हो लोकल हो या क्लाउड हो ठीक है अच्छा जी तो मैं इस तरह करके ब्राउज करता हूं मैंने एबीसी डेटाबेस में चला गया यहाँ पे भी देखें वही ओटीपी और वही यूजर्स आ रहे हैं यहाँ पे यूजर्स पे मैंने क्लिक किया तो मुझे क्या हुआ ये सारे यूजर इसने दिखा दिए ठीक है जी अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे क्वेरी भी लगा सकता हूँ मैं ठीक है यहाँ पे से डेटा को एड भी कर सकता हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं जो मुझे वेब एप्लीकेशन पे समाइम नहीं मिल रहे होते ठीक है जी तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और अब मैं आके अपना पहला आ, डेटा में राइट करने की कोशिश करता हूँ ये जो मेरा पोस्ट है स्लैश पोस्ट इसको मैं मोंगो डीबी पे ट्रांसफर करता हूँ बजाय उसको लोकल वेरिएबल पे करने के अच्छा जी तो अब आ जाते हैं मोंगोस की लाइब्रेरी पे दोबारा से मोंगोस की लाइब्रेरी पे आकर मैंने कहा मॉडल ठीक है जी तो मुझे पोस्ट का पहले ना एक मॉडल बनाना पड़ेगा स्कीमा बनाना पड़ेगा का पोस्ट पोस्ट स्कीमा के अंदर क्या होगा सही है यूजर का नाम होगा पोस्ट के अंदर ठीक है टेक्स्ट होगा अच्छा हमने अभी लोकल वेरिएबल में यूजर का नाम नहीं रखा था तो चलो इसमें भी नाम हटा देते हैं जस्ट टेक्स्ट होगा इसके अंदर ठीक है टेक्स्ट के साथ क्रिएटेड ऑन भी लगा देता हूं मैं कि कब क्रिएट हुआ ये क्रिएटेड ऑन ठीक है और इसके अंदर मैंने कहा टाइप डेट राइट और उसके साथ डिफॉल्ट ठीक है डेट डॉट ना अब ये चीजें मैं कहा से लिख रहा हूं ये मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन से लिख रहा हूँ राइट इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीजें लिखी हुई है ठीक है इसको मैं स्ट्रिंग में भी कर दूं तो भी सही है स्ट्रिंग में ना करूं तो भी सही है तो ये मेरा पोस्ट का स्कीमा तैयार हो गया उसके बाद मैंने कहा पोस्ट और यहां पे मैंने बता दिया पोस्ट स्कीमा राइट अब ये मेरा पोस्ट का स्कीमा तैयार हो गया जिसके जरिए मैं क्या करूंगा अपने डेटाबेस में रीड रीड या राइट करूंगा ठीक है जनाब अच्छा बाय द वे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ये जो स्कीमा हमने बनाया है ये मोंगो डीबी के अंदर इट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट बल्कि स्कीमा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मोंगो डीबी के अंदर ठीक है मोंगो डीबी इज अ स्कीमा लेस डेटाबेस स्कीमा लेस डेटाबेस का मतलब ये है कि एक पोस्ट जो होगी ना उसमें टेक्स्ट है और साथ में क्रिएटेड ऑन है अब कोई ऐसी पोस्ट अगर आप डालने की कोशिश करते हैं ना जिसके अंदर क्या हो नेम भी हो साथ में ठीक है और वो स्ट्रिंग टाइप का हो तो वो उसको भी मना नहीं करेगा कहेगा इसको भी आने दो ठीक है कोई ऐसी चीज आपने डाल दी जिसमें क्रिएटेड ऑन है ही नहीं वो भी आने दो उसको भी कहेगा आने दो ठीक है अच्छा इसको बाई डिजाइन इस तरह से रखा गया है कि इसका डेटा का ना कोई स्कीमा नहीं है इसके अंदर फिक्स आप जो डालेंगे वो लेता चला जाएगा कुछ भी मना नहीं करेगा आपको ये बट इन्होंने मोंगोज वालों ने ये तरीका इसलिए बनाया है कि एक तो स्कीमा से जो है ना आपको आसानी होती है वैलिडेशन वगैरह करने में आसानी होती है आपको ठीक है आपको पता होता है कि किस पॉइंट पे आपको क्या चीज मिलने लगी है फिर आम तौर पे जो वेब एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस इस्तेमाल होते हैं उसमें स्कीमा होता है आम तौर पे ठीक है पोस्ट का एक स्कीमा होगा आपकी प्रोफाइल का एक स्कीमा होगा कि भाई फोन नंबर यहाँ पे मिलता है नाम यहाँ मिलता है फोटो यूला यहाँ मिलता है तो वेब एप्लीकेशन के साथ जो डेटाबेस कनेक्ट होते हैं आमतौर पर उसका स्कीमा होता है ठीक है तो इसलिए उन्होंने फिर दूसरा ये कि पुराने डेटा बेसिस काम कर चुके हैं पहले उनका भी कॉन्सेप्ट के साथ होता है तो उनको भी इस पर फायदा होता है उनको भी आसानी रहती है सीखने में तो इसलिए जस्ट ये स्कीमा इन्होंने लगाया हुआ है मोंगो मोंगोडीबी स्कीमा लेस डेटा बेस अच्छा उसको बाई डिजाइन मैंने बताया कि स्कीमा लेस बनाया गया है स्कीमा लेस बनाया गया है उसको इसलिए ताकि वो बिग डेटा को हैंडल कर सके ठीक है क्योंकि बिग डेटा का सबसे बड़ा जो है वो तीन हमने हमने निशानियां देखी थी कि अगर तीन क्वालिटीज़ किसी डेटा बेस में हो तो उसको हम बिग डेटा कहते हैं तो उसमें से एक स्कीमा लेस भी था तो इसलिए उसको स्कीमा लेस बनाया गया क्योंकि ये डेटा बिग डेटा को ये हैंडल कर सके अच्छा तो ये पोस्ट स्कीमा हो गया अब पोस्ट हो गया अब यहां पे आके मैं क्या करना चाहूंगा मेरी जो पोस्ट है Uh, मैंने कहा लेट पोस्ट टेक्स्ट सॉरी मैंने लेट न्यू पोस्ट इक्वल्स टू न्यू पोस्ट राइट अच्छा पोस्ट में मेरे पास क्या चीज मुझे देनी है टेक्स्ट देना है

डेटा बेस जिस मशीन में चल रहा है उस मशीन का जो भी टाइम है वो ले लो बाई डिफॉल्ट अगर आपको ना मिले ये तो ठीक है तो मैं इसको यहाँ पे दूंगा नहीं वो बाई डिफॉल्ट वही वाला टाइम ले न्यू पोस्ट डॉट सेव राइट डॉट सेव के बाद में कहूंगा एरर कॉमा सेव्ड ठीक है ये एरर कॉमा सेव जो मैंने लिखा है ये दो पैरामीटर है दोनों मेरी मर्जी के नाम के हो सकते हैं पहले वाले में आपको एरर मिलता है और दूसरे वाले में आपको क्या मिलता है कि अगर वो सेव हो गया डॉक्यूमेंट तो उसकी कंफर्मेशन मिलती है आपको ठीक है और मैं जस्ट आगे यहाँ पे कहूंगा कि इफ नॉट एरर इफ नॉट एरर इट मीन क्या है रिस्पॉन्स डॉट सेंड योर पोस्ट इज ऑफकोर्स हम ये कहेंगे इसको ठीक है योर पोस्ट इज सेव्ड ईएम ने कह दिया ये सारी चीजें हमने हटा दी है ठीक है अब अगर एल्स के नॉट एरर के अलावा कुछ भी दूसरी चीज होती है तो मैं क्या कहूंगा रिस्पांस डॉट सेंड स्टेटस भी मैं सेट करूंगा इसका कि भाई ये स्टेटस अब क्या हो चुका है 500 हो चुका है कि सर्वर पे कोई इशू हो चुका है भाई साहब और यहाँ पे मैंने कहा कि something went wrong please try later अच्छा इस पॉइंट पे अब आके मैं वैलिडेशन भी इसमें लगाना चाहूंगा क्योंकि भाई साहब अगर ये मुझे टेक्स्ट नहीं मिला ना यहाँ पे अगर बंदे ने टेक्स्ट मुझे नहीं भेजा इस तरह करके तो मेरे डेटा बेस में क्या चली जाएगी बोगस वैल्यू चली जाएगी जो ऐसी वैल्यू जो कि मैं नहीं चाहता हूं वो चली जाएगी ठीक है अगर टेक्स्ट नहीं भेजा होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा ये होगा ठीक है तो मैं एक लाइन वैलिडेशन की यहाँ पे लगाना चाहूंगा कि इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ठीक है टेक्स्ट नॉट ठीक है अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट अगर नहीं है तो क्या करो आप इसको यहीं से रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो ठीक है और इसको क्या करो आप इसका स्टेटस क्या होगा स्टेटस इसका होगा फोर हंड्रेड आई थिंक ठीक है अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं स्टेटस कोड भी डिस्कस कर लेता हूँ कि जब हम किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो स्टेटस कोड जो है अगर होगा जब मैं सिर्फ सेंड करता हूँ ना तो बाय डिफॉल्ट क्या जाता है स्टेटस कोड जाता है टू उससे पता चलता है कि अच्छा ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स था फाइव का मतलब है कि सर्वर पे कुछ मसला हो गया फोर हंड्रेड की जो सीरीज है पूरी फोर जीरो वन ये पूरी सीरीज का मतलब ये है कि यूजर ने कोई ऐसा ऐसी गलती की है जिसकी वजह से ये फेल हुआ है ठीक है अच्छा आप इसको क्या कर सकते हैं आप जाके उसको गूगल पे लिख सकते हैं HTTP टी टीपीटस कोड ठीक है तो ये आपके पास लिस्ट आ गई HTTP टी टीपी स्टेटस कोड की ठीक है जी जो वो जो फोर जीरो बिल्कुल इसी से उसका ताल्लुक। अच्छा देखें नंबर वन 100 से लेके 119 तक क्या है वो इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है 200 से लेके 299 तक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है फिर 3 से लेके 399 तक रिडायरेक्शन मैसेज है कि ये चीज कहीं और मूव हो गई है अब वहां रिडायरेक्ट किया जा रहा है आपको ठीक है फोर से लेके फोर तक का है कि क्लाइंट ने कुछ गलती की है जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है फाइव से लेके फाइव तक है कि सर्वर की गलती है जिसकी वजह से हुआ है सर्वर क्लाइंट का कसूर नहीं है उसमें ठीक है जी अब फिर नीचे इसकी आपको ना डेफिनेशन दी जा रही है कि जैसे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स में टू हंड्रेड का मतलब क्या है टू जीरो का मतलब क्या है टू जीरो टू का मतलब क्या है ठीक है टू जीरो फोर है फिर इसी तरह एक लंबी लिस्ट है अब देखें इसमें टू ट्वेंटी सिक्स तक लाके ना इन्होंने स्टॉप कर दिया अब इसके आगे ना आप अपना कस्टम बना सकते हैं मतलब आप कुछ भी कोड लिखे उसका मतलब आप कुछ भी एज्यूम करेंगे भाई ये होगा डॉक्यूमेंटेशन में उसको आप लिस्ट डाउन कर दें कि अच्छा यार टू सेवेंटी सिक्स का मतलब क्या है ये खास एरर टू सेवेंटी सिक्स ठीक है तो आप ये इसके लिए छोड़ा हुआ है आपके फिर थ्री हंड्रेड से शुरू हुआ और थ्री जीरो सिक्स थ्री जीरो अवेलेबल है सारा ठीक है हंड्रेड पे लाके फोर हंड्रेड बैड रिक्वेस्टेंटिकेटेड लॉग इन नहीं किया आपने टू पेमेंट रिक्वेस्ट पेमेंट रिक्वायर्ड की आप जो चीज कर रहे हैं इसके लिए पेमेंट पहले करें आप पैसे दें ठीक है फोर जीरो थ्री फॉरविडन फोर जीरो फोर नॉट फाउंड जो आप ढूंढ रहे हैं वो तो है ही नहीं ठीक है इस तरह ये करके ऐसे इन्होंने दिया हुआ है तो uh, अब हमारे केस में हम बैड रिक्वेस्ट लगा देते हैं फोर हंड्रेड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर बिडन दस नॉट है राइट एक्सेस टू देंट बैड फोर जीरो नॉट एक्सेप्टेबल दिस रिस्पॉन्स इज सेंट वेन अ वेब सर्वर आफ्टर परफॉर्मिंग अ सर्वर ड्रिवन कॉन्टेंट निगोशियशन डजेंट फाइंड एनी कॉन्टेंट दैट कंफॉर्म द क्राइटेरिया गिवन बाई दूसर एजेंट आई थिंक फोर जीरो सिक्स भी यहाँ पे सही रहेगा ठीक है लेकिन हम फिलहाल क्या करते हैं जनरल रखते हैं फोर हंड्रेड लगा देते हैं तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई फोर हंड्रेड ठीक है टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड इन जेसन बॉडी राइट और फिर मैं क्या करता हूं एग्जांपल भी देता हूं ई जी कॉमा ऐसे करके आप लिखेंगे ऐसे टेक्स्ट होगा उसके अंदर ओ, गड़बड़ कर रहा हूं। मुझे असल में बैकटिक करना पड़ेगा जब मैं अंदर डबल कोट लगा सकता हूँ वट इज इन योर माइंड तो जी ये मैंने क्या कर दिया इसको एक तरह से डॉक्यूमेंट भी कर दिया यहाँ पे अगर बंदे ने टैक्स नहीं भेजा तो मैं कहूंगा टैक्स इज रिक्वायर्ड इन जेसन बॉडी इसमें मैंने ये भी बता दिया कि बॉडी जेसन टाइप की चाहिए मुझे फिर मैंने एग्जाम्पल मैं, के तौर पर इसको बना के भी दे दिया कि भाई इस तरह करके लिखोगे तो ये सही तरीका है ठीक है तो ये मैंने एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी कर दी एपीआई की अगर कोई गलत तरीके से कॉल करेगा उसको ये मैसेज मिलेगा वो देखेगा इसको समझ जाएगा कि अच्छा भाई इस तरह कॉल होती है ठीक है अच्छा टेक्स्ट अगर नहीं है तो मैंने ये कर दिया अच्छा इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं एंड एंड लेंथ इसकी चेक कर सकते हैं आप कि आपने कहा कि भाई टेक्स डॉट लेंथ जो है वो क्या है अगर अगर बड़ी है 200 से 200 सौ कैरेक्टर से ठीक है टेक्स पे आप डॉट लेंथ मिलता है अच्छा इसमें और होगा भाई ठीक है कि या तो पहला वाला क्राइटेरिया हो जाए या तो दूसरा वाला क्राइटेरिया हो जाए ठीक है तो पोस्ट में आपने एक लिमिट लगा दी कि 200 से अगर ज्यादा है कैरेक्टर्स तो भी आप उसमें कर दें और यहां पे मैंने कह दिया max 200 character ठीक है max 200 character भी मैं पे mention कर दिया मैंने जो मेरा error का message है तो ये मैंने validation कर ली यहाँ पे ठीक है validation करने के बाद मैंने return call कर दिया अच्छा return जब मैं call करूँगा तो उससे क्या होगा ये मेरा function जो है ना मज़िद आगे execute नहीं होगा ये जो मेरा middleware start हुआ है ना अगर ये if के अंदर दाखिल हो गया तो यहाँ से return पे ना ये यहाँ रुक जाएगा stop हो जाएगा सही है ये आगे आगे का कोड ये रन नहीं करेगा अगर मैं ये रिटर्न नहीं लगाऊंगा तो फिर पूरा कोड पो, भी पूरा चला देगा ठीक है जी तो ये भी एक ख्याल रखना है आपको कि जहां पे आप फिर रिस्पॉन्स भेज रहे हैं ना वापस वहां पे आपको रिटर्न भी करना है फॉरन ही ताकि वहीं पे कोड स्टॉप हो जाए आपका पूरा आगे तक ना जाए अच्छा जी तो ये वैलिडेशन भी लग गई हमारी सब कुछ हो गया अब इसको हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं ठीक है मेरा सर्वर ऑलरेडी चल रहा है मैं थंडर क्लाइंट पे गया और थंडर क्लाइंट पे जाने के बाद मैंने कहा कि लोकल होस्ट थ्री थाउजेंड स्लैश पोस्ट और इसमें मैंने पोस्ट का बटन दबाया बॉडी में गया बॉडी में ना टेक्स पहले से लिखा हुआ है और मैंने कहा कि भाई ठीक है और मैंने सेंड का बटन दबाया ठीक है तो मुझे रिस्पॉन्स आया योर पोस्ट इज सेव ये रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास मतलब कौन सा रिस्पॉन्स आया है ये वाला इसका मतलब है मेरे डेटाबेस में मेरी पोस्ट जाके सेव हो गई है ठीक है अब मैं आता हूँ जरा इसमें देखता हूँ कि जनाब क्या रिपोर्ट है इसकी आ, इसमें मेरे वाले डेटाबेस का नाम नहीं आ रहा भाई जरा माई फर्स्ट डेटाबेस के नाम से इसमें आना चाहिए मैंने रिफ्रेश का बटन प्रेस किया ये रहा माई फर्स्ट डेटाबेस ठीक है इसके अंदर मेरा डेटा आना चाहिए पोस्ट अच्छा मेरे पास ये इतने सारे आ रहे हैं आपके पास एक ही आ रहा होगा जो आपने बनाया हुआ राइट आपके पास इतना सारा नहीं आ रहा होगा तो ये मेरे जनाब डेटा बेस में जो है ना मेरी कहानी पहुंच चुकी है टेक्स्ट फ्रॉम थंडर क्लाइंट ये लिखा हुआ गया क्रिएटेड ऑन बाई डिफॉल्ट इसने सर्वर पे जो भी टाइम हो रहा था वो ले लिया और इसको एक यूनिक आईडी भी असाइन कर दी ठीक है जी तो ये हमने एक डेटा में अपने डेटा क्रिएट कर दिया ठीक है जी अब हम क्या करते हैं गेट करने की कोशिश करते हैं उसको गाइड कैसे होगा तो सबसे पहले तो सारी पोस्ट गाइड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं मैंने कहा कि भाई सर क्यों जी दोस्त हाँ सर मैं ये कह रहा था कि जैसे ये आपने अभी चलाया ना पोस्ट का बटन दबाया और वो में जाके सेव हो गया तो इसकी जर एक जैसे आप अभी अभी तो गेट पढ़ा रहे हैं ये गेट पढ़ाने के बाद थोड़ा इसके सीक्वेंस समझा देंगे कि, कि मतलब पहले जब आपने पुश का बटन दबाया तो क्या हुआ उसके बाद फिर किस तरीके से प्रोसेस चला वन बाय वन ये मैंने यूआरएल में ये बात स्लैश पोस्ट सही है ना यूआरएल में मैंने स्लैश पोस्ट लिखा था ऐसा ही था उसकी बॉडी में मैंने टेक्स्ट लिखा था और मैंने जब पुश का बटन दबाया ये कोड यहाँ से चला वैलिडेशन परफॉर्म की वैलिडेशन पास हो गई ये डेटा क्रिएट हुआ यानी छोटा सा मैंने एक एक, एक डॉक्यूमेंट बनाया और डॉक्यूमेंट के ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट है मेरा इस डॉक्यूमेंट पे डॉट सेव कॉल किया ठीक है डॉट सेव जो है वो क्या है इंटरनेट पर रिक्वेस्ट लेके जा रहा है मतलब डेटा में एक हिट मार रहा है सही है और जब उसका रिस्पॉन्स आएगा तो क्या होगा ये फंक्शन चलेगा ठीक है इसमें एरर भी आ सकता है और एरर नहीं भी आ सकता है सक्सेसफुल भी हो सकता है मैंने नीचे इफ लगाया कि इफ अगर एरर है तो ये बता दो नॉट एरर है तो ये बता दो

चलें ठीक पोस्ट, पोस्ट है? है मैंने कहा पोस्ट डॉट फाइंड फाइंड में मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया इसको। कोई क्राइटेरिया नहीं देने का मतलब क्या है कि सारा उठा के लेकर आ ये ठीक है अच्छा और अब मैंने क्या कहा नीचे आके नॉट एरर ठीक है नॉट एरर का मतलब है कि मिला है मुझे तो मैं कहूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो भी डेटा में आया वो पूरा भेज दो उठा के ठीक है और ये मुझे में एरे देगा, देगा जाहिर है क्योंकि जब सारे डॉक्यूमेंट लाएगा तो एरे में ही देगा ठीक है एल्स में मैंने ये कहा इसको कि भाई रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करो इसका फाइव हंड्रेड क्योंकि सर्वर की साइड से कोई इशू है डॉट सेंड और समिंग ठीक है हम यूजर को ना इतना नहीं बताते कि डेटा बेस क्रैश नहीं हुआ या कनेक्ट नहीं हुआ इतना नहीं बताते बस हम कहते हैं समथिंग रॉन्ग ठीक है इससे ज्यादा यूजर को बताते क्योंकि वो फिर vulnerability में शामिल हो जाता है कि यूजर को पता चलता है अच्छा मैं ये करता हूँ तो ये होता है <coughs> तो मैंने कहा भाई पोस्ट डॉट फाइंड अगर नॉट एरर है तो इसका मतलब मिला है डेटा डेटा भेज दो अब अदरवाइज क्या करो कि भाई बता दो कि समथिंग रेंटेंट रॉन्ग ये मैंने डेटा से क्या कर लिया रीड कर लिया डेटा वो पहले मैंने राइट किया था अब मैं रीड कर रहा हूँ पहले मैं सेम पहले सेम पहले काम मैं लोकल वेरिएबल पे करता था अब मैं डेटा में कर कर रहा हूं। अब अब इसको इसको भी हम चेक चेक लेते हैं इसको अब चेक कैसे करेंगे वापस गया मैं थंडर क्लाइंट पे मैंने कहा पोस्ट के साथ एस लगाओ और गेट की रिक्वेस्ट करो और अब देखते हैं कि सारा डेटा आता है नहीं आता ठीक है क्योंकि मेरे डेटाबेस में एक ही पोस्ट थी तो एक उठ के आ गई एक से ज्यादा होती तो ज्यादा आ जाती देखें आप ये एरे है ठीक है एक एरे की फॉर्म में ये सारी पोस्ट उठा के लेकर आ जाता है मेरे पास ठीक है आईडी भी यूनिक आईडी भी आ रही है और क्रिएटेड ऑन जो है ऑटोमेटिक सेव हुआ था वो भी आ रहा है अच्छा ये अंडर स्कोर वी आ रहा है ये वर्जन होता है ये मॉन्गोडी भी स्पेसिफिक चीज है ये असल में क्या होता है कि अगर इस डॉक्यूमेंट को मैं अपडेट करूंगा ना तो ये वर्जन का काउंटर बढ़ता चला जाएगा अगर एक दफा अपडेट हुआ होगा तो वन होगा फिर टू होगा फिर थ्री होगा ठीक है जीरो का मतलब क्या है कि ये जिस तरह अभी है ना ये इसी तरह क्रिएट हुआ हुआ है इसमें कोई चेंजेस नहीं की गई है इसके क्रिएट होने के बाद ठीक है तो ये वर्जन इस तरह की चीज है अच्छा अब हमारा क्या रहेगा सवाल ये वर्जन हिस्ट्री हमें अवेलेबल होती है हिस्ट्री तो अवेलेबल नहीं होती लेकिन मोंगो डीबी भी ना ये एक काउंटर चला रहा होता है अगर मैं इसको अपडेट कर दूंगा ना किसी किसी भी फील्ड को तो ये वन हो जाएगा दोबारा अपडेट करूंगा तो टू हो जाएगा लेकिन हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती हिस्ट्री नहीं अवेलेबल होगी मे बी होती भी हो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट मे भी होती भी हो मोंगोडीबी आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे मोंगो डीबी का जो डॉक्यूमेंट वर्जन होता है वो क्या हिस्ट्री भी मेंटेन okay. sure. okay. okay. जो नो यू सिर्फ टू से फिर वो वर्जन हिस्ट्री सेव करता होगा नहीं सेव करता होगा क्योंकि वर्ना डेटाबेस बलून हो जाएगा ना hmm. अच्छा जी अब हम आ गए हमने तमाम पोस्ट को जो गेट करने वाला मैकेनिज्म था वो डेटाबेस पे मूव कर दिया अब सिंगल पोस्ट को गेट करने वाला जो है उसको कैसे करेंगे सिंगल पोस्ट को गेट करने वाला मैकेनिज्म जो है अब आप नोट कीजिएगा पहले तो हमारे पास चूंकि लोकल वेरिएबल में था तो हमने कहा भाई एरे का इंडेक्स जो है वो आईडी है बंदेगी लेकिन अब आप नोट करें डेटाबेस ने इसको एक आईडी असाइन कर है खुद से तो अब इस आईडी को हम मानेंगे कि ये पोस्ट की आइडेंटिफिकेशन है ये ट्रू यानी कि पहले क्या था कि जीरो वन टू थ्री चल रही थी पोस्ट अब पोस्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये नंबर है जो आईडी में मुझे मिला है ठीक है तो जब मैं सारी पोस्ट मंगवाऊंगा तो हर पोस्ट के साथ मुझे आईडी मिलेगी अब उनमें से किसी एक पोस्ट को मुझे अगर एडिट करना है या एक पोस्ट को मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा इस आईडी के जरिए मैं उस पोस्ट को डिलीट करूंगा मैं ये आई साथ में भेजूंगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे मुझे इस तरह की कोई चीज नहीं मिल रही कि भाई जीरो इंडेक्स या वन इंडेक्स इस तरह की कोई चीज नहीं है मेरे पास हर पोस्ट का एक यूनिक आई डेटाबेस मुझे क्रिएट करके दे रहा है <coughs> तो अब इस केस में मेरे पास क्या होगा कि ये जो आई होगी ना स्लैश आई ये स्लैश आई अब नंबर नहीं रही अब ये स्ट्रिंग होगी क्योंकि ज़ाहिर है वो नंबर नहीं है पहले मेरे नंबर होती थी मेरे पास तो मैंने ये आई इस तरह कर दिया अब ये स्ट्रिंग मिलेगी मुझे हमेशा ठीक है अब मैंने कहा कि पोस्ट डॉट

ठीक है कि इस क्राइटेरिया पे जाओ डेटाबेस में ढूंढो जो भी पहला डॉक्यूमेंट मिले वो लेकर आ जाओ ठीक है मैंने कहा अंडर स्कोर आईडी डी ठीक है अंडर स्कोर आईडी आपको असाइन की है वो वाला इक्वल्स टू आई डी दिस आई डी बल्कि मैं डायरेक्ट भी यहां लिख सकता हूँ कट किया मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया बजाय इसके कि मैं एक्स्ट्रा इसकेस्ट्रा वेरिएबल बनाऊ मैंने कहा अंडर स्कोर आई डी ना रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आई डी की इक्वल होनी चाहिए ठीक है अगर आपको ऐसा कोई डेटाबेस में आइटम मिल जाए तो आप उठा के लेकर आ जाओ इसमें भी क्या है एरर कॉमा डेटा ठीक है और मैंने कहा यहाँ पे इफ नॉट एरर तो इसका मतलब है मुझे डेटा मिल गया मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट सेंड ठीक है डेटा एल्स में मैंने कहा कि समथिंग वेंट रॉन्ग

ठीक है दो तीन पोस्ट और क्रिएट कर लेता हूं वाओ एबीसी सम आइडिया ठीक है आई हैव क्रिएटेड फोर फाइव पोस्ट अब मैं गेट करने की कोशिश करता हूं एस लगाया मैंने ये इतनी सारी पोस्ट मेरे पास डेटाबेस में हो चुकी है मैं डेटा में भी अगर इसको देखूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा अगर, तो ये मुझे सारी पोस्ट दिखा रहा है, इतनी पोस्ट डेटा में पहुंच चुकी है। अब इनमें से मुझे, मुझे क्या करना है वाव ए बी इसको गेट करना है या सम आईडिया वाले को गैस्ट करना है तो मैंने उसको कॉपी किया ठीक है अब गेट में मैं क्या लगाऊंगा इसकी आईडी लगाऊंगा तो मुझे ये सिंगल पोस्ट गेट होगी मिलेगी ठीक है जी तो मैंने क्या कर लिया मैंने तीन काम करवा लिए पोस्ट को क्रिएट करवा लिया मैंने ठीक है पोस्ट को, कर है पोस्ट को गेट करवा लिया सिंगल भी और सारी पोस्ट भी तो ये तीन काम मैंने कर लिए अब पुट और डिलीट का काम रह गया राइट जब पुट और डिलीट कर लेंगे तो पूरा ये हमारा जो है ना कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका होगा लोकल वेरिएबल से पूरा पूरा इसका ताल्लुक खत्म हो चुका होगा ठीक है जी तो ये मेरा है जनाब गेट सही है गेट पोस्ट ये तीन हम कंप्लीट कर चुके हैं अब हम करते हैं पुट अच्छा पुट में भी ये मैं हटा देता हूं अब मुझे नंबर नहीं मिला करेगा ये अब मुझे ये मिला करेगा स्ट्रिंग में ठीक है मैंने कहा पोस्ट ठीक है डॉट फाइंड वन एंड अपडेट ठीक है फाइंड वन एंड अपडेट एंड फाइंड वन इन अपडेट में सबसे पहला है क्राइटेरिया दूसरा है ऑप्शंस और दूसरा है अपडेट एक्चुअली अच्छा तो क्राइटेरिया में क्या कहता हूँ मैंने कहा अंडरस्कोर आईडी जो है ना वो इक्वल्स हो जाए रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी के इक्वल हो जाए ठीक है तो ये क्राइटेरिया है यानी इस क्राइटेरिया से जो मैच कर रहा है डॉक्यूमेंट सर उसी को अपडेट करना है बाकी किसी को नहीं करना ठीक है जी और दूसरा है अपडेट क्या करना है अपडेट में मैंने कहा कि भाई टेक्स्ट को अपडेट करना है ठीक है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट के अंदर जो भी कुछ आया हुआ है वो टेक्स्ट के अंदर डाल देना है ठीक है बाकी चीजें हटा देनी है मतलब बाकी चीजों को छेड़ना नहीं है अब मेरे पास और क्या है इसमें ऑप्शंस है ऑप्शंस को मैं खाली छोड़ूंगा कॉमा और अब मेरे पास है फंक्शन जिसमें एरर कॉमा रिस्पॉन्स राइट यहां पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्या हो रहा है देखें ये फाइंड वन एन अपडेट है यहां से ये शुरू हुआ है गोल ब्रैकेट इसकी पहला पैरामीटर दूसरा पैरामीटर तीसरा पैरामीटर एंड चौथा पैरामीटर एंड देन गोल ब्रैकेट क्लोज राइट दिस इज अ पी कैपिटल हियर फॉर पोस्ट इज ये पी कैपिटल इस वजह से क्योंकि ये मॉडल है असल में okay, ये जो मैंने ऊपर क्रिएट किया हुआ है मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट ठीक है अगर आप okay. यहां पर भी देखें तो मैंने क्या कहा है कि मॉडल से नया पोस्ट क्रिएट किया हुआ है और यहां पर आप देखें तो मैंने क्या कहा हुआ मॉडल डॉट फाइंड किया हुआ है ये मॉडल का नाम है और डॉट फाइंड सर एक क्वेश्चन था जी दोस्त सर ये जो हमारे पास क्लाइंट साइट पे कैसे आईडी मिलेगी क्लाइंट साइट पे हमें कैसे पता चलेगा यही आईडी है ये तो डॉक्यूमेंट की आईडी है ना हाँ तो डॉक्यूमेंट देखें क्लाइंट साइट पे आप ये कॉल करेंगे ना गेट करेंगे आप ठीक है और पोस्ट में आप लगाएंगे एस और जब आप गेट करेंगे तो क्लाइंट साइट पे ये पूरी चीज मिल गई ना आपको आ तो रही है इसमें आईडी आ गई ना आईडी एक दफा अब मिसाल के तौर पर तो सबसे पहले वाले को आपने अपडेट करना है तो आपके पास मौजूद है ना पहला आइटम उसकी आईडी भी मौजूद है उसका करंट टैक्स भी मौजूद है आप उसकी आईडी उठाएंगे और आप वो आईडी भेजेंगे सर्वर पे कि भाई इसको अपडेट करो और नया टैक्स भी साथ में भेजेंगे कि भाई ये टैक्स रख दो वो हटा के बिल्कुल तो आसानी असा, से कर सकेंगे आप ठीक है जी थी। और मैंने कहा फाइंड

राइटर तो राइट? अच्छा अच्छा कौन सा पहला है फिल्टर सही है यह क्राइटेरिया भी कह सकते हैं दूसरा है अपडेट में आइटम क्या डालना है वो है तीसरा है ऑप्शन और चौथा है कॉल बैक ठीक है चार पैरामीटर तो टोटल मैंने दिए ठीक है तो नंबर एक नंबर दो नंबर तीन और नंबर चार इसका कोड एग्जाम्पल भी मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है तो अगर आपको कभी भूल भी जाए तो ये वाला कोड एग्जाम्पल भी रहेगा आपके पास मोंगो डीबी की वेबसाइट पे जाकर भी आप देख सकते हैं मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं ठीक है जी सर तो है एम, जी सर एम ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं एम ऑब्जेक्ट जो वो है वो ऑप्शन है ठीक है क्योंकि अपडेट करते वक्त ना बहुत सारे ऑप्शंस आप पास कर सकते हैं और वो ऑप्शन क्या होते हैं कि आ, आ, जैसे एक अपसर्ट होता है अपसर्ट क्या होता है कि अगर ये जो डेटा आप ढूंढ रहे हैं जिसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो मौजूद ही नहीं है सिरे से तो उसको वो क्रिएट कर देगा ठीक है तो अपसर्ट होता है ये तो हमें इस तरह का कोई ऑप्शन अभी इस केस में रिक्वायर्ड नहीं है ठीक है क्योंकि हमें पता है वो चीज मौजूद है हम, आ, सही है इस तरह ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं अब आप वो जब डॉक्यूमेंट्स में जाके देखेंगे ना के के मोंगोडीवी अभी मैं आपसे शेयर करूंगा वो डॉक्यूमेंट तो उस डॉक्यूमेंट में जब आप देखेंगे ना तो वहां पे ऑप्शंस में क्या क्या पॉसिबल चीजें आप पास कर सकते हैं वो लिखा हुआ है राइट तो आप उसको पढ़ लीजिएगा अगर किसी भी केस में वो चीजें करनी हो आपको तो वो ऑप्शन में आप डाल भेज सकते हैं अभी इस वक्त मैंने ऑप्शन को खाली छोड़ा हुआ है ठीक है जी तो मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट सेंड ठीक है डेटेड ठीक है जी एल्स समथिंग वेंट ठीक है जी ये मेरा अपडेट का भी तरीका कंप्लीट हो ये नीचे वाली चीज उड़ा देता हूँ मैं इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है ठीक है जी ऐसे ही बनता है अच्छा इसमें मैंने एरो फंक्शन पास किया आप चाहे तो नॉर्मल फंक्शन भी कर सकते हैं मतलब ऐसे फंक्शन का कीवर्ड लगा के और ऐसे करके भी आप कर सकते हैं ये भी आप कर सकते हैं ठीक है एंड दिस इज एनोनिमस फंक्शन बाय द वे एंड रिमेम्बर आई टोल्ड यू के जावा में सबसे ज्यादा एनोनिमस फंक्शन यूज होते हैं तो दिस इज एनोनिमस फंक्शन ठीक है ये जो मिडल के अंदर इट ये फंक्शन है ये दिस फंक्शन दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन विदाउट एनी नेम तो ये एनोनिमस फंक्शन जावास्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा यूज होता है ठीक है उसको पास किया किसी दूसरे फंक्शन में चार पैरामीटर्स के ये आपने मुख्तलिफ ये बताया वो बिकॉज़ वी आर यूजिंग व्हाट मंगोस वो चार पैरामीटर्स मंगोस के पैरामीटर्स है एंड इट विल लाइक चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू हिट राइट लाइक अच्छा मोंगोज की अच्छी बात यह है कि मोंगोज में जिस तरह ये फाइंड वन एंड अपडेट मैंने मोंगोज में किया है ना मोंगो डीबी की अपनी लाइब्रेरी में भी इसी तरह होता है ना तो मतलब नाइनटी परसेंट ऑफ द थिंग्स आर आर द सेम बट जस्ट फ्यू एक्स्ट्रा फीचर्स Uh, which is 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 provided in Mongo's is, is the difference between MongoDB's, uh, original library and this. extra feature same री में भी तो uh, ये आप अगर इन जनरल अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो भी आपको इसी सीक्वेंस से ही मिलेगा ये तो ऐसा right. की बात नहीं अभी right. no, no. like, ये है तो like, post के लिए कुछ अलग होगा या लाइक यू नो बिकॉज़ ऑफ कोर्स वेरी वेरी डिफरेंट वेरी डिफरेंट सीक्वल में तो एक उसकी इसकी सेलेक्ट और सेलेक्ट जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है गेट के लिए हमने ये जो बात लिखी हुई है हमने कि पोस्ट डॉट फाइंड और ये तो ये जो इतनी बात है ये सीक्वल में हम ऐसे लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पोस्ट अच्छा ठीक है सही वेरी डिफरेंट ओके ओके हमने ये अपडेट वाला काम आई थिंक पूरा कर लिया है अच्छा अब आ जाते हैं हम डिलीट पे डिलीट में डिलीट में भी ये नंबर हटा देते हैं जरूरत नहीं होगी मैंने कहा पोस्ट डॉट डिलीट वन राइट डिलीट वन मैंने कहा और मैंने कहा कि अंडर स्कोर आई डी किसके इक्वल हो रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर डॉट आई डी के, के इक्वल हो ठीक है डिलीट में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे क्या क्या मुझे क्या क्या इसको प्रोवाइड करना है डिलीट वाले को मैंने इस पर हाथ रखा ठीक है इसने मुझे बताया कि डिलीट वन को सब सबसे पहले देना पड़ेगा फिल्टर या क्राइटेरिया भी कह सकते हैं आप उसको दूसरा देना पड़ेगा ऑप्शन ठीक है और तीसरा देना पड़ेगा कॉल बैक ठीक है तो मुझे ऑप्शन में कुछ नहीं देना है मुझे ऑप्शन खाली रखना है ठीक है कॉमा और मैं इसको कॉल बैक दे देता हूँ कॉल बैक में मुझे एरर कॉमा रिस्पॉन्स मिलेगा ठीक है अच्छा ये भी मुझे इसने बताया हुआ है दो पैरामीटर है या तीन है कॉल बैक जब यहाँ पे कहता है ये ये कॉल बैक है तो इसमें मुझे इसने बताया हुआ है कि आपको मिलेगा क्या इसमें मोंगोज डॉट कॉल बैक विदाउट रिजल्ट डिलीटेड डिलीटेड नहीं इसमें नहीं बताया हुआ डॉक्यूमेंट से भी देख सकते हैं आप इसे सही ठीक है तो डिलीट वन में मैंने एक पैरामीटर दो पैरामीटर और ये तीन पैरामीटर दिए हुए हैं इफ नॉट एरर else ठीक है जी ये मैंने यहाँ पे बना दिया अच्छा डिलीट वन का sure कि इसी तरह से, तो मैं इसको देखना चाहूंगा लाइन अवेलेबल है तो मैंने कौन से वाले को देखना है फाइंड वन एंड डिलीट का कोड देखना है फाइंड वन एंड डिलीट पे क्लिक कर दिया तो इसका कोड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ होगा इन्होंने कोड एग्जांपल क्यों नहीं दिया ये ये मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी ये वाला नीचे हाँ ये जो इन्होंने किया हुआ है ना ये वाला कोड एग्जांपल है लेकिन इन्होंने कॉल बैक बताया नहीं कि कॉल बैक में मिलेगा क्या क्या मैं यहाँ चला जाता हूँ ना कॉल बैक में मैं अलग से गूगल कर लेता हूँ find one and delete function error docs error error doc सही लिखा है मैंने सेव कर दिया इसको मैंने ओके गॉट इट है जी अच्छा ये तमाम पोस्ट डिलीट करने वाला तो हम हटाई देते क्योंकि तमाम पोस्ट आमतौर तो पे ना डिलीट इस तरह हम कभी भी नहीं कर रहे होते एक-एक करके ही कर रहे होते हैं रियल में अच्छा जस्ट अगर मुझे सारा डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा डिलीट वन हटा दूंगा फिर फिर मैं कहूंगा डिलीट और क्राइटेरिया को मैं खाली छोड़ूंगा पे क्राइटेरिया को खाली छोड़ूंगा तो वो सबको अच्छा तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है अपडेट और डिलीट दोनों कंप्लीट हो चुका है तो अब हम क्या करते हैं अपडेट और डिलीट को क्या करते हैं चेक कर लेते हैं तो हमारी जो सबसे पहली पोस्ट है उसमें लिखा हुआ है टेक्स फ्रॉम थंडर क्लाइंट राइट और अब इसको मैं क्या करता हूँ एडिट करने जा रहा हूं मैंने कहा पुट और मैंने कहा पोस्ट और पोस्ट के बाद मैंने इसकी आईडी को कॉपी करके आईडी लगा दी कि भाई मैं पुट कर रहा हूं पोस्ट को और इस वाली पोस्ट को और उसका टेक्स्ट क्या होगा ठीक है दिस इज अपडेटेड टेक्स्ट क्या हुआ रिस्पॉन्स डॉट सेंड इज नॉट अ फंक्शन रिस्पॉन्स डॉट सेंड है तो ओ आई सी ये रिस्पॉन्स इससे जो है ना कॉन्फ्लिक्ट कर गया है ठीक है इससे कॉन्फ्लिक्ट तो मैं क्या करता हूँ नाम चेंज कर देता हूँ जस्ट मैं स्कोर लगा देता हूँ इसके आगे एक या या पूरा रिस्पॉन्स कर देता हूँ उसको ठीक है पूरा रिस्पॉन्स कर दिया मैंने उसको बल्कि इस वाले को मैं डेटा कर देता हूँ देट वुड बी ग्रेट ठीक है डेटा कर देता हूँ बजाय इसके ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे आपस में अब मैंने उसको दोबारा हिट किया दोबारा हिट किया तो इसने मुझे कहा अपडेटेड अब इसको मैं चेक कैसे करूंगा मैं गेट करता हूं तमाम पोस्ट को दोबारा से सही है मैंने गेट किया तमाम पोस्ट को तो दिस इज अपडेटेड टेक्स्ट मुझे लिखा हुआ आ गया है राइट अच्छा अब मैं क्या करूंगा डिलीट करूंगा किसको करूंगा इसी को इसी को मैं डिलीट करता हूं मैंने कहा डिलीट पोस्ट स्लैश दिस और मैंने सेंड दबाया ओहो डिलीट में क्या हुआ डिलीट और डिलीट में भी इसमें रिस्पॉन्स लिखा हुआ है इसको भी मैं डेटा कर देता हूँ ठीक है वो दो वेरिएबल आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा उसको कि मैं क्या करूं अच्छा डिलीट किया मैंने दोबारा हिट डिलीटेड परफेक्ट अब मैं दोबारा गेट करता हूं तो मुझे वो टॉप पे जो चीज थी वो नहीं मिलनी चाहिए ठीक है जी खत्म हो गई वो पोस्ट ही खत्म हो गई सीधे एक बार ये एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या हो रहा था यहाँ पे uh, कोई स्पेसिफिक सवाल पूछें तो वो मैं कर यहाँ पे जो आगे आगे एरर आ रहा था वो वो किस वजह से आ रहा था मैं दोबारा से वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ आरईएस लिखा हुआ था यहाँ पे ना तो अब जब मैं यह कर रहा था ना आरईएस डॉट सेंड तो वो समझ नहीं पा रहा था कि इस रिस्पॉन्स की बात हो रही है या इस रिस्पॉन्स की बात हो रही है अच्छा

एंड व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द सेकंड प्लेस हां तो अब जब अब देखें ये रिस्पांस पे मैं क्लिक कर रहा हूं ना तो अब इसको ये बात बिल्कुल साफ है कि ये इस रिस्पांस की बात हो रही है देखिए ये हाईलाइट करके दिखा दे रहा है दोनों okay. Yes. अच्छा जी बताइए जी दोस्त सर ये ये पुट के अंदर हमने ये एक पूरा फंक्शन लिखा है ये वाला फाइंड वन एंड अपडेट राइट ठीक है पोस्ट डॉट फाइंड ये एक फंक्शन कॉल कर फंक्शन तो हाँ। के अंदर हम ये रहे हैं। पहले हमने ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल ये क्राइटेरिया है क्योंकि मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ वन डॉक्यूमेंट को अपडेट तो उस डॉक्यूमेंट का क्राइटेरिया क्या है की कौन से डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है ऐसा डॉक्यूमेंट जो जिसका जिस क्राइटेरिया से जिस डॉक्यूमेंट का अंडर स्कोर जो आईडी है वो मैच कर जाए यूजर के दिए गए आईडी से राइट ठीक है और ये अंडरस्कोर आईडी आई से मिल रहा है? अंडरस्कोर आईडी वहां इसकोर से इसकोर मिल रहा है जब जब आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे गेट करते हैं ना सारी पोस्ट को तो आप देखें हर पोस्ट के साथ एक आईडी मिलती है अंडर स्कोर आई ठीक है ये ये अंडर स्कोर आई की बात हुई है

ऑप्शंस में भी ना अभी यहां पे मैं आ, आ जाता हूँ फाइंड वन एंड अपडेट पे क्वेरीज़ पे चला जाता हूं यहां से दोबारा फाइंड वन एंड अपडेट ये ना अब इसमें देखें ऑप्शंस में क्या क्या दे सकते हैं आप वो यहाँ एक लिस्ट बनी हुई है पूरी ठीक है आप दे सकते हैं कि लीन ठीक है ऑप्शन डॉट लीन आप दे सकते हैं लीन का मतलब ये होता है वो बिल्कुल प्लेन जेसन देगा सेशन नल कर सकते हैं आप स्ट्रिक कर सकते हैं ठीक है ओवर राइट फॉल्स कर सकते हैं इस तरह के ये है। अब इस हर ऑप्शन की ना एक्सप्लेनेशन है ठीक है है इस हर ऑप्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन तो ये इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ठीक है फिर इसी तरह लीन का पूरा ट्यूटोरियल है कि लीन क्या चीज होती है तो लीन क्वेरी जब चलानी होती है आपको तो आप ये करते हैं ठीक है फिर इसी तरीके से ये जो सेशन नल है इसका ताल्लुक ट्रांजेक्शन से है ठीक है तो ट्रांजेक्शन के लिए पूरा इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बताया हुआ है तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं लेकिन आम तौर पे जो नॉर्मली हम अपडेट करते हैं उसमें इन ऑप्शंस की हमें हम नहीं भेज रहे होते ठीक है आ, सर एक्चुअली समझना मैं उसके बाद चाह रहा था लाइक जब हम एक तरफ तो हम की वैल्यू पेयर दे रहे हैं ठीक है और उसके बाद फिर एक फंक्शन दे देते हैं तो देखिए हाँ, कर... अच्छा आपने सवाल पूछा जब मैं वन एंड अपडेट पे हाथ रखता हूँ ना या मैं डॉक्यूमेंट में भी अगर आता हूँ तो मुझे क्या दे रहा है मुझे कह रहा है पहला पैरामीटर इज अ फिल्टर द क्राइटेरिया टाइप ऑफ दैट क्राइटेरिया इज ऑब्जेक्ट ठीक है तो हमने जो पहला दिया इसको वो ऑब्जेक्ट दे दिया जेसन दे दिया ठीक है जेसन ऑब्जेक्ट एक ही बात है सही है सेकंड पैरामीटर ठीक है रिप्लेसमेंट कि अभी जो अभी रखना क्या है उसके ऊपर मतलब पुराना हटा के अभी रखना है क्या है उस पे वो उसमें भी हमने कहा ऑब्जेक्ट ठीक है तो हमने उसमें भी क्या दे दिया ऑब्जेक्ट क्लियर अच्छा थर्ड ऑप्शन ऑप्शन का टाइप क्या ऑब्जेक्ट ठीक है तो खाली ऑब्जेक्ट दिया हमने बट दिया इसको ऑब्जेक्ट ही हमने ठीक है जेसन अभी चौथा जो है हमारे पास कॉल बैक इसकी टाइप क्या फंक्शन तो हमने इसको क्या दिया हमने इसको फंक्शन दिया क्योंकि लाइब्रेरी वालों ने जिन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई है उन्होंने हमसे ऐसे बोला है कि भाई इस जगह पे हमें एक फंक्शन चाहिए और जो फंक्शन कब चलेगा जब मैं डेटाबेस पे क्वेरी लेकर जाऊंगा और जो डेटाबेस से जब रिस्पांस वापस सर्वर के मेरे अंदर आ जाएगा यानी मेरे एप्लीकेशन के अंदर तो ये फंक्शन मैं चला दूंगा और इसके अंदर आपको अगर एरर हुआ तो एरर मिल जाएगा डेटा हुआ तो डेटा मिल जाएगा

ठीक है मिसाल के तौर पे अगर मैं ये, ये आ, आ, इसको ये दोनों चीजें नहीं देता हूँ ये वाली सिर्फ ऊपर की दो देता हूँ तो उसका भी एक ओवरलोड है लेकिन अभी बिला वजह ओवरलोड के अंदर जाने से बेहतर है कि आप पहले तो इसी तरह इसको चलाना सीख लें ठीक है इसी तरह चला के कुछ प्रोड्यूस कर लें कुछ एप्लीकेशन बना लें फिर वो जो उसके मतलब आ, अंदर के जो मैकेनिक्स हैं वो तो जाहिर है फिर सीखते ही रहेगा बंदा वही तो वो तो सीखना कभी भी कंप्लीट नहीं होता वो तो चलता रहता है ज़ाहिर है नए वर्जन आते हैं उसमें नए मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये तो जो अंदर के उसकी जो छोटे मोटे मैकेनिक्स हैं ना वो तो जाहिर है सीखते रहेंगे फिर आप लेकिन अभी एज इट इज इसको लिख कर इसी तरह कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करें ऐसी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से ठीक है थैंक यू सर अच्छा अब ये जनाब हमने जो है ना सर्वर अपना कंप्लीट कर लिया ठीक है मोंगो डीबी के साथ मोंगो डीबी का हमने करड ऑपरेशन आज कंप्लीट कर लिया अब आपका काम यह है कि कल जो आपने ऐप बनाई थी उसको आपको मॉडिफाई करना है और मॉडिफाई करके ये वाली चीज उसमें, उसमें। जाहिर है फ्रंट एंड तो इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा थोड़ा बहुत चेंज होगा जो आप इंडेक्स उठाते थे उसकी जगह आप आईडी उठा रहे होंगे तो आपने कुछ भी लिखना है लिख के पोस्ट करना है सर्वर पे गया डेटाबेस में सेव ठीक है फिर आपने क्या कहा पेज को अपने बटन दबाया गेट ऑल पोस्ट अच्छा गेट ऑल पोस्ट बाय द वे बटन नहीं होना चाहिए जब ऐसी ऐप लोड हो खुद से ही लोड हो जानी चाहिए सारी पोस्ट तो सही है सारी पोस्ट डेटा बेस से लोड हो जाए हर पोस्ट के आगे एक बटन आ रहा हो डिलीट का वो डिलीट का बटन प्रेस करें तो पोस्ट डिलीट हो जाए ठीक है अच्छा फिर चलो एडिट को छोड़ दो सिर्फ डिलीट तक कर लो कम से कम ठीक है क्रिएट नंबर वन क्रिएट गेट ऑल पोस्ट और डिलीट हर पोस्ट के आगे डिलीट का एक बटन आ रहा वो क्लिक करूं तो पोस्ट डिलीट हो जाए ये इतना तीन काम एटलीस्ट आप लोग सारे लोग परफॉर्म कर लीजिएगा प्लीज ठीक है अच्छा इस पॉइंट पे आके अब हम इसके आगे क्या शुरू करेंगे अपना

नहीं नहीं यार ये तो कल वाली ऐप है ना आप कल वाली क्लास में थे मतलब लास्ट क्लास जो भी हुई थी क्योंकि लास्ट क्लास देखे, एक देखे, तो मैंने और भी होल्ड कर दी थी मैंने कहा नहीं यार मैं पढ़ाऊंगा नहीं पहले कर लो इसको ठीक है तो वो एक क्लास तो मैंने वैसे ही गैप दिया हुआ तो उससे पहले वाली क्लास में यही ऐप मैंने बनाई थी एज इट इज लोकल वेरिएबल के साथ आज मैंने उसी ऐप में जस्ट लोकल वेरिएबल को हटा के और डेटाबेस को इंट्रोड्यूस करवाया काम सारा वही हो रहा है ठीक है फ्रंट एंड आपका इतना ज्यादा चेंज भी नहीं होगा रिक्वेस्ट तो वही है ना स्लैश पोस्ट तो उस वक्त भी ऐसा ही था सही है स्लैश स्लैश पोस्ट पोस्ट चेंज नहीं हुई है मेरी था गेट पोस्ट ठीक है में एस लगा के करता था, तो ये तो वही है सेम फिर इसी तरीके से अगर मुझे सिंगल पोस्ट गेट करनी होती थी तो मैं क्या करता था आई देता था कॉमा बस बस एपीआई में इतना चेंज हुआ है कि पहले मेरी आई डी वैल्यू होती थी अब मेरी आई

तो ठीक है जी मेरा ख्याल है कि कोई इतना ज्यादा ये आ, आ, मैंने मुश्किल चीज नहीं दी है कोशिश कीजिएगा कि आप अगली क्लास में इसको कर लें और इनशाला हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि Alexa का ओवरव्यू स्टार्ट कर दें ठीक है जी इनशाला मुलाकात रहेगी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मैं हूँ अभी अवेलेबल किसी की और हमारी भी की आ, आज का वीडियो जितने जल्द से जल्द हो सके अपलोड कर दीजिएगा तो लर्निंग हो सके जी मैं इसको कोशिश करूंगा अभी अपलोड कर लूँ थैंक यू Christianity, I love this. I love this.